Come to the revision class of business and commercial knowledge. ठीक है, this is a subject which your institute has introduced this term. अच्छा, एक चीज बताओ, हम लोग ऑलरेडी बीसीके का सारा क्लासेस कर चुके हैं लाइव में, यस और नो? वी हैव ऑलरेडी डिवोटेड 12 क्लासेस फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वन रिविजन क्लास ऑल्सो वी हैव डन. तो आज का जो हम लोग का रिविजन क्लास है ना, वो खाली क्या चीज का है? ऑफ द थर्ड चैप्टर. यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 3 क्या था बताओ? चैप्टर नंबर 3, यस. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को क्या सीखना है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. यू हैव लर्न कि कंपनी कौन कौन सा है, कौन फॉरेन कंपनी है, कौन इंडियन कंपनी है, वेयर दे आर इनकॉर्पोरेटेड, व्हाट इज द डेट ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन, एंड व्हाट इज देयर प्रोडक्ट डोमेन. ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. और किस कंपनी को क्या क्या अवार्ड मिला है, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो आज हम लोग बेसिकली ये क्लास क्यों कंडक्ट किए हैं, फ्यूचर में जाकर जब तुम लोग इस कंपनी में वर्क करने जाओ, तो इस कंपनी का तुम लोग का जो एटमॉस्फेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे कंपनी का हेडक्वार्टर है, फिर ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वर्किंग है, सब सब तुम लोग को पहले से ही इसके बारे में देखा हुआ हो. सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्टर टुडे वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कंपनी. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, थ्योरी में हम लोग पूरा कर चुके हैं, एंड ऑल्सो यू हैव ऑल्सो गॉट द हैंडआउट. ये वाला हैंडआउट दिए थे, दैट इज अ समरी फॉर्म ऑफ ऑल द 32 कंपनीज. ठीक है, दैट इज देयर इन योर बुक. तो बुक में देख रहे हो कितना सारा पेजेस में था, और हम लोग इसको समरी फॉर्म में पूरा कर चुके हैं ऑलरेडी. और आज का जो क्लास है, इसके करने के बाद तो तुम लोग को ये वाला चैप्टर तुम लोग का आई अश्योर यू फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, क्योंकि इस पूरा जो भी स्लाइड्स है, पूरा अलग से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है हर एक कंपनी के ऊपर. हर एक कंपनी के ऊपर एक स्लाइड प्रिपेयर किया गया है. इनफैक्ट कितना सारा कंपनी का तो तुम लोग को हम बहुत सारा प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, जिसमें तुम लोग उस कंपनी का फैक्ट्री में चल जाओगे. यहीं पे बैठे बैठे यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द फैक्ट्री ऑफ दोस कंपनी जस्ट सिटिंग इन द क्लासरूम. सो इट विल बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग वन. ठीक है, सो आर यू रेडी फॉर द क्लास? अच्छा, टेल मी, मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि हम लोग याद है विप्रो के बारे में पढ़े थे? दैट वॉज द फर्स्ट कंपनी वी डिस्कस्ड इन द क्लास. ठीक है, अच्छा, वन मोर थिंग, दिस क्लास इज ओनली फॉर दोस स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड द मेन क्लासेस, फोर मेन क्लासेस we have devoted in this chapter, yes or no? Yes, chart to hum log isme bada bada class devote kiye the 2.5 ghanta ka, uske baad ja ke ye presentation samajh mein aayega. aisa nahi hai ki aaj uth kar aaoge aur presentation dekhoge pura learn ho jayega. ha agar in fact if you are even a novice neophyte for this chapter to bhi tumko bahut acha lagega is chapter ko jankar. theek hai, but jin log already kiya hua hai un log ke liye to bonus hai, samajh lo, this is a bonus for you. so the first company we discussed in our class was wipro. tell me, wipro ka full form kya tha? वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड. अच्छा, तुम लोग को याद है हम बोले थे विप्रो जो था, सबसे पहले उसका नाम था विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, बट अभी उसका नाम क्या हो गया? विप्रो लिमिटेड. यानी इनिशियली जब विप्रो बना था तब उसका नाम क्या था? विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड. तो वो क्या हो गया है? विप्रो लिमिटेड. ठीक है, सो लेट अस हैव अ लुक एट विप्रो. सबसे पहले तुम लोग मेरे को बताओगे विप्रो का लोगो जो है, ध्यान से देखो, कैन यू सी दिस लोगो ऑफ विप्रो? ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, विप्रो का लोगो जो है उसमें क्या बना हुआ बीच में? सनफ्लावर. तो ये सनफ्लावर का फोटो देख के अपने आप तुम लोगों को याद आ जाना चाहिए कि विप्रो का मेन प्रोडक्ट क्या था? ऑयल. ऑयल एंड रिफाइनरी वॉज अ फर्स्ट मेजर मेन प्रोडक्ट दैट विप्रो डेल्ट इन टू. तो इसीलिए विप्रो का जो ऑयल का ब्रांड था वो नाम ही क्या था? सनफ्लावर ऑयल. तो ये फोटो विप्रो का जो लोगो में है तुम लोग देख रहे हो, वो किस लिए है? बिकॉज ये स्टार्ट जब किया था, सेटअप किया था विप्रो, किससे डील करने के लिए सेटअप किया था? रिफाइनरी ऑयल. रिफाइनरी ऑयल कौन सा? सनफ्लावर ऑयल. अच्छा, इसको और भी एक दो तो ब्रांड है ऑयल का, कैमल, किसान. ठीक है, बट अभी जो विप्रो है इट हैज डाइवर्सिफाइड फ्रॉम द ऑयल रिफाइनरी सेक्टर टू द आईटी सेक्टर एज वेल. आईटी सेक्टर के बारे में बताए थे. अच्छा, तुमको ये बात जान के भी बहुत अच्छा लगेगा कि विप्रो ऐसा कंपनी है जो कि बहुत पहले से ही, फ्रॉम पास्ट, इट हैज सीन द फ्यूचर इन द आईटी सेक्टर. उसको पता था कि कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद इंडिया का मेन जो सर्विस सेक्टर हो जाएगा, मेन फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? आईटी सेक्टर. तो ये आईटी सेक्टर में नया नहीं आया है, अभी बड़ा बड़ा कंपनी है, बहुत जन जो है अभी रिसेंटली आईटी सेक्टर में आए, बट ये जो आईटी सेक्टर में पुराने टाइम से ही है. तो सोचो, इसका जो फाउंडर था, हु वाज द फाउंडर ऑफ विप्रो बाय द वे? मोहम्मद प्रेम जी. वेरी गुड, मोहम्मद प्रेम जी वाज द फाउंडर. ओके, एंड हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ विप्रो? अच्छा, अजीम प्रेम जी. देखना चाहोगे कैसे दिखते हैं? ठीक है, ठीक है, अजीम प्रेम जी कैसे लगे? तो हु इज अजीम प्रेम जी? ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ विप्रो.
ठीक है। अच्छा पहले हम क्या बोले थे, विप्रो किसमें डील करता था, किसमें डील करता था, ऑयल, सनफ्लावर ऑयल इसका मेन प्रोडक्ट था। बट आईटी सेक्टर में ग्रेजुअली शिफ्ट किया ना, आईटी सेक्टर में अभी नया है कि पुराने जमाने से है, तो तुमको पता है इसको फ्यूचर दिख चुका था पहले से कि इंडिया का फ्यूचर किसमें होने वाला, आईटी सेक्टर। तो पहले से ही आईटी सेक्टर को डेवलप करना चालू कर दिया था और अभी तक ये उसका जो वैल्यू है आईटी का उसको इनकैश भी कर चुका है, तो करोड़ों में कमा रहा है। तो ये आईटी सेक्टर में नया नहीं है, उसका वैल्यू उसको पहले से ही समझ में आ गया था कि इंडिया कुछ दिनों में, इंडिया का फ्यूचर सब कुछ क्या होने वाला है रिलेटेड टू आईटी बेस्ड, तो पहले से इनकैश कर चुके हैं क्या उसका वैल्यू, यस। क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा जिस सेक्टर में उतना ज्यादा तुम्हारा रेवेन्यू जनरेशन पावर होगा कि नहीं, ठीक है। सो अजीम प्रेम जी को देख लियो तुम लोग। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द स्लाइड दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। सो लेट अस हैव अ लुक दैट विप्रो इज एन इंडियन कंपनी, यू ऑलरेडी नो दैट। हेडक्वार्टर ऑफ विप्रो लर्न है, बताओ कहां पे है, ठीक है। तो इज इट एन इंडियन कंपनी और अ फॉरेन कंपनी, ऑब्वियसली एन इंडियन कंपनी, ठीक है। फिर देखो क्या इसका मेन प्रोडक्ट, रिफाइंड ऑयल, और फिर क्या आईटी सेक्टर, और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इट वाज रैंक्ड एज 755th ऑन द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट। अच्छा हम तुम लोगों को ये भी बताए थे फोर्ब्स लिस्ट क्या होता है, इट इज एन मैगजीन, कौन सा मैगजीन, यूएस बेस्ड मैगजीन जिसमें टॉप टॉप बड़े बड़े कंपनी लोग का नाम आता है, तो इसका भी नाम आया है क्या, हाँ। तो तुमको पता है ये जो 755th रैंक ग्लोबल लिस्ट में आया है फोर्ब्स का, इन विच ईयर, मे 2016। अच्छा विप्रो का नाम चेंज तुमको बता चुके हैं, कब हुआ था, 1982, फ्रॉम विप्रो प्रोडक्ट टू, अच्छा प्रोडक्ट से क्यों, क्योंकि आईटी सेक्टर में चला गया ना, तो आईटी सेक्टर को प्रोडक्ट बोलना अच्छा नहीं लगेगा, तो विप्रो प्रोडक्ट से उन लोग क्या कर दिया, विप्रो लिमिटेड, ठीक है। अच्छा इट वॉज ऑल्सो रैंक्ड एज फर्स्ट इन एशियन सस्टेनेबिलिटी 2010, एशियन सस्टेनेबिलिटी में कब रैंक मिला इसको, एशियन सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडियन कंपनी रैंकिंग, इंडियन कंपनी को लोग रैंक करते हैं, तो ये उसमें कितना रैंक मिला इसको, 1। ये किस साल का बात किया जा रहा है, 2010, ठीक है, किस साल का बात किया जा रहा है, 2010। तो तुम लोग चाहो तो अपना हैंडआउट में वहां लिख लो 2010, ठीक है, दैट आई हैव गिवन यू ऑलरेडी। सो विप्रो वाज रैंक्ड एज 1 इन एशियन सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग ऑफ इंडियन कंपनी इन विच ईयर, 2010। नाउ आई होप विप्रो पूरा तुम लोग के दिमाग में बस गया है अच्छे से, यस और नो, और प्रेम जी को भी देख लो, ठीक है। हु इज ही, करेंट चेयरमैन ऑफ, ठीक है, फाउंडर का नाम, वेरी गुड। विप्रो पहले क्या चीज में डील करता था, अभी क्या चीज में डील करता है, मैंने विप्रो का नाम चेंज हुआ, विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड से विप्रो किस साल में चेंज हुआ, वेरी गुड, लर्न हो गया पूरा विप्रो। कोई डाउट है विप्रो के बारे में, चलो अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे, दैट इज द मोस्ट इमर्जिंग फेमस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, रिलायंस, वेरी गुड। हु इज द फाउंडर ऑफ रिलायंस, वेरी गुड। तुम लोग को तो धीरू भाई, बच्चा लोग को तो खाली धीरू भाई अंबानी पता होगा, नॉर्मल बच्चा लोग को, बट जिन लोग, जिन लोग हम लोग का क्लास कर चुके हैं उन लोग को ये भी पता होगा कि धीरू भाई अंबानी का एक भाई था चंपक लाल दमानी, याद है चंपक लाल दमानी। और अच्छा एक चीज और बताओ, अभी करंट चेयरमैन कौन है रिलायंस का, अच्छा तुमको पता है धीरू भाई अंबानी का दो बेटा है, बट ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसका ओनर खाली मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी नहीं है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का बिजनेस हैज गॉट सेपरेटेड, दे आर नॉट टुगेदर, ठीक है। तो जो धीरू भाई अंबानी का मेन इंडस्ट्री है उसको कौन ले लिया, मुकेश अंबानी, और जो अनिल अंबानी वो टेलीकॉम सेक्टर को देख रहे हैं, ठीक है, जियो को नहीं देख रहे, बट जियो तो मुकेश अंबानी का है, रिलायंस था ना पहले, रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर इतना बड़ा, उसका मालिक कौन था, अनिल अंबानी। लेट अस हैव अ लुक, कौन है बताओ, बोलो, लिखा हुआ तो है धीरू भाई अंबानी। अच्छा ये तो अगर बताओ तुम लोग को पता ही होना चाहिए, ये धीरू भाई अंबानी और ये कौन है, इतना जगह देखे होगे, इनफैक्ट तुम इस चेयरमैन की वाइफ को भी देखे होगे, क्या नाम है, नीता अंबानी, जो कि आईपीएल में दिखाई देती है मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो तुम लोग सोचो ना, आईपीएल का भी ओनर ये लोग है, मुकेश अंबानी का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, मुकेश अंबानी नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओन, क्या चीज कौन कर रहा है, मुंबई इंडियन को। तो जब भी बिडिंग होता है प्लेयर लोगों को खरीदा जाता है, उसका बिडिंग में देखे होगे कौन बैठा हुआ रहता है, इसके पास टाइम नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है, भेज देते अपने रिप्रेजेंटेटिव को, कौन है इसके रिप्रेजेंटेटिव, नीता अंबानी, इजंट इट। अच्छा एक चीज बताओ, सबसे पहले हम तुम लोग को बोल रहे थे चंपक लाल दमानी इसका भाई था ना, उसके साथ ये लोग फाउंड किया था, बट तुमको पता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो इकलौता धीरू भाई अंबानी जी ने ही फाउंड किया है, तो फिर चंपक लाल दमानी ने क्या किया, उन लोग पता है पहले 1960, you remember Reliance got incorporated in which year? 1966, but
बट 1973 हैज बीन रिटेन इन इट्स कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है ना, उसमें कितना लिखा हुआ है 1973। बट हम लोग को कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए दोनों डेट याद रखना है, और तुम्हारी बुक्स में भी क्या दिया हुआ है 1966। अच्छा, और एक चीज, ये जो बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 1966। बट जो तुम लोग बोल रहे हो ना उसका भाई था चंपक लाल दवानी, वो 1960 में था, 1966 तब रिलायंस कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेट किया गया था, इंडस्ट्री लिमिटेड नहीं, क्या इनकॉर्पोरेट किया गया। और सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था रिलायंस का? टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल का जो काम चालू किया था इन लोग दोनों ने मिलकर किया था, किन दोनों ने? इन दोनों ने नहीं। हाँ, बट फिर क्या हुआ ना, चंपकलाल दमानी का कॉन्ट्रीब्यूशन उतना, तो 1966 में धीरू भाई ने खुद अपना क्या स्टार्ट किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं था, रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड था। द नेम गॉट चेंज्ड फ्रॉम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड टू रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इन 1985, रिमेंबर? ठीक है, तो पहले क्या चीज का धंधा था इसका? टेक्सटाइल का। फिर याद है बोले थे इसका पता है मेन काम क्या था? पॉलिस्टर में से, पॉलिस्टर जो आता है ना, पॉलिस्टर क्या होता है, रियल क्लोथ होता है कि आर्टिफिशियल, उससे वो लोग क्लोथ निकालता था। फिर उसके बाद सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक्स में गया, फिर उसके बाद किसमें शिफ्ट हुआ? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तुमको पता है बिकॉज ऑफ दिस रिलायंस ओनली इंडिया जो है नाउ कैन एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इवन टू यूएसए एंड यूरोप। देयर वाज अ टाइम इंडिया सफर्ड फ्रॉम क्राइसिस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड दे हैड टू इंपोर्ट इट, बिकॉज ऑफ विच आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज इन अ ग्रेट डेफिसिट पोजिशन। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा इंपोर्ट करते थे ना, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट बिल किसका था? पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। बट अभी बिकॉज थैंक्स टू हूम, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कि इन लोग इतना पेट्रोलियम का बनाया, रिफाइन किया, इतना सारा रिफाइनरी खड़ा कर दिया कि हम लोग को अब इंपोर्ट करने का दरकार नहीं, बल्कि हम लोग तो क्या कर रहे हैं अब, एक्सपोर्ट। थैंक्स टू हूम? धीरू भाई अंबानी। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताओ, क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जो इन लोग? एलपीजी, एविएशन फ्यूल जो होता है, पेट्रोल डीजल जो कार में चलता है, और केरोसिन, और लुब्रिकेंट्स, और मेनी आर देयर। ठीक है, तो ये सब कौन बनाया है? बनाया तो बहुत सारे इंडस्ट्री, बट रिलायंस वॉज द फर्स्ट। सुनो, रिलायंस जो है ना, इसका सबसे मैसिव ह्यूज प्रोजेक्ट पेट्रोलियम के ऊपर कहां पे स्टार्ट हुआ? एनी आइडिया? वेरी गुड, हु सेड इट? जामनगर। एक्सीलेंट, जामनगर में तुमको अभी हम लेकर जाएंगे जामनगर, कैसे? प्रोजेक्टर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे बैठे बैठे तुम लोग जामनगर का फैक्ट्री देखोगे। जामनगर में इसका फर्स्ट जो बड़ा पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स है वो एस्टैब्लिश हुआ था, कहाँ पे बताओ? जामनगर। और वो भी पता है, इट इज कीपिंग ऑन एक्सपेंडिंग डे बाय डे। 2000 में हुआ था, फिर उसके बाद 2007 में हुआ, 2016 में भी, मतलब इसका प्रोजेक्ट पेट्रोलियम के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। और तुमको पता है सबसे पहले धीरूभाई अंबानी, रिलायंस कॉर्पोरेशन भी नहीं खोला था सबसे पहले, तुमको पता है धीरूभाई अंबानी काम करता था गल्फ ऑफ एडन में, सऊदी अरेबिया में सेल्स अटेंडेंट था। कौन क्या करता था पता है? वहां पे एनर्जी इंडस्ट्री में था, सेल्स अटेंडेंट था। फिर वहीं पे बैठे बैठे इसको लगा कि इंडिया को हम लोग ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, तो वहीं पे बैठे बैठे सोच लिया था कि हम अपने होम टाउन में जाएंगे। इसका होम टाउन कहाँ है? गुजरात। गुजरात, जामनगर कहाँ है? गुजरात ही। तो वहीं सोच लिया था कि जामनगर में हम मैसिव प्रोजेक्ट खोलने वाले हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। कहाँ पे सोच लिया था? वहीं पे। तो वापस वहां अपना नौकरी छोड़कर कहाँ आ गया? इंडिया, बैक टू गुजरात। एंड द जामनगर प्रोजेक्ट गॉट सक्सेसफुल, एंड बिकॉज ऑफ विच टुडे क्या हो रहा है, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 3% ऑफ इंडिया जीडीपी एकमात्र रिलायंस अकेला कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिलायंस कंपनी। ठीक है, तो और उसके बाद मेरे को बताओ, ये तो मेरा हो गया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में, दिखाई दे रहा है इसका डोमेन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। डोमेन कैन यू सी? पेट्रोलियम रिफाइनिंग मार्केटिंग। अच्छा, टेक्सटाइल, फेमस ब्रांड विमल अभी तक चल रहा है, कब हुआ? 1975। ये डेटा तो तुम लोग रट ही लो, विमल ब्रांड हजार बार पढ़ा चुके हैं। टेक्सटाइल ब्रांड का नाम क्या? रिलायंस का, विमल। विच ईयर? क्या रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर में भी घुसा है? हाँ, बट आई टोल्ड यू अगेन, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जियो में घुसा है इन द ईयर 2016। बट रिलायंस तो पुराना है, वो किसका है? वो इसका नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अनिल अंबानी। और वो तुमको पता है बहुत सारा लॉस में भी चला गया था, अभी किससे लोन लेकर वापस ठीक हुआ है? कहां गया वो? ये रहा। ठीक है, और 2016 में ये क्या लॉन्च कर दिया, जो कि पूरा टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मचा के रख दिया, जियो। क्या तुम लोग भी जियो यूज करते हो? आर यू जियो यूजर?
हो गई ना सब जियो यूजर, फ्री में लिए, फ्री में सिम कार्ड बांटने लग गया, इंटरनेट फ्री में दे दिया, तो पूरा एकदम भयानक कंपटीशन क्रिएट कर दिया ये टेलीकॉम सेक्टर में। कौन? मुकेश अंबानी। किसको लॉन्च करके? ठीक है, अच्छा बिसाइड टेलीकॉम सेक्टर रिटेलिंग भी इसका, गिव मी सम नेम। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस ट्रेंड। कपड़ा में भी घुस गया रिटेलिंग में, जूता में भी, डिजिटल फोन, यस रिलायंस का ट्रेंड। रिलायंस यहाँ पे फ्रेश प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, स्टेपल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, अच्छा तुमको पता है 15 साल से, फ्रॉम लास्ट 15 ईयर, फॉर्च्यून में, फॉर्च्यून का लिस्ट में हर समय ग्लोबल फॉर्च्यून लिस्ट निकलता है ना, जिसमें 500 कंपनीज का रैंकिंग होता है, 15 साल से अपना पोजिशन मेंटेन किया। कौन? हर 15 साल से इसका नाम आ रहा है। फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स तुम लोग फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट में किसका नाम देख रहे हो? रिलायंस। और फोर्ब्स में इसका रैंक कितना है? 121। और एनर्जी प्रोड्यूसर एट द ग्लोबल लेवल, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? ए। लर्न हो गया पूरा अच्छे से? चलो मेरे को एक दो क्वेश्चन का आंसर करो। सबसे पहले मेरे को बोलो रिलायंस का नेम पहले क्या था? रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी क्या है रिलायंस? इसका मोस्ट फेमस टेक्सटाइल ब्रांड का नाम क्या है? विच ईयर? Who was the founder of Reliance Industries Limited? पूछेगा तो खाली वन। और इसका ब्रदर का नाम क्या था? दमानी है वो, अंबानी नहीं, दमानी। वो क्या इनकॉर्पोरेट किया था? रिलायंस कॉर्पोरेशन 1960। सबसे पहला इसका पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स कहां बैठाया गया? और ये जो धीरूभाई अंबानी है कहां पे काम करता था? गल्फ ऑफ एडन एज एन अटेंडेंट। और फिर क्या गुजरात में आकर डिड ही डू अपार्ट फ्रॉम पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग? और क्या किया? टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में कहां कंट्रीब्यूशन दिखाया? जियो। अच्छा तुमको पता है पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हम लोग इसको, इसका जो क्रूड ऑयल होता है जहां से हम लोग इसको क्लीन करके निकालते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वो तुम्हारे लैंड में भी होता है और सी शोर में भी होता है। रिलायंस सी तक बेड पहुंच गया, सी बेड तक, लैंड से तो निकाला ही और सी बेड के नीचे भी निकाल दिया। ठीक है, सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ वीडियो ऑन दिस हिस्ट्री और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ धीरूभाई अंबानी, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। ठीक है, लाइट्स ऑफ, ऑन, ओके, चलो देखो, ऑफ कर दें। We have never wavered from your principles. वो क्या था? जामनगर का क्या बोल रहे? वो पूरा बैरन लैंड था, धीरूभाई अंबानी ने उसको क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। क्या चीज में? हाँ ठीक है, देखो टू एशियाज लार्जेस्ट मैंगो ऑर्कर। कौन है ये? टुडे इट हैज ग्रोन into the world's largest refinery. We have completed about ₹25,000 crores, $6 billion, world-class refinery and petrochemical complex in Jamnagar. Completion of Jamnagar complex have further enhanced our leadership in the Indian economy. देख रहे हो कहाँ पे कितना एकर में फैला हुआ है, हजारों एकर में इसका फैक्ट्री फैला हुआ है। Can you see that? This year, Reliance, what did I say? Reliance alone will account for nearly 3% of India's GDP. Reliance alone will account for nearly 3% of India's GDP. We alone will contribute nearly 5% of the total central government total revenue. For the first time, India, from being a net importer of petroleum products, emerged as a net exporter. Refinery is getting a crude from either seabed or from the land-based wells. Our idea is this, to participate right up to seabed. And for that, we have planned long ago. Now we are at the stage of implementation. In October 2002, India got the good news from the KGD6 block. Reliance discovered the biggest deep water natural gas reserves in India. This has led to foreign exchange savings for India worth over ₹2 lakh crores. Who is he?
इंडिपेंडेंट, कहां पे देखो हिडन, योर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग इंडियाज ओन ग्लोबल एनर्जी जायंट has become a reality. Reliance has maintained its position in the Fortune Global 500 list every year for the last 15 years. Who is she? We have never. So that's it. बताओ कैसा लगा वीडियो? पूरा घुस गया दिमाग में? Throughout the lifetime तो कि अभी एग्जाम तक खाली याद रखोगे सब? और the lifetime changes आएगा और भी? और भी बताओ, अभी तो IT sector में diversify कर रहे सबको, या पता नहीं और future generation में कौन कौन सा नया emerging sectors आने वाला है, ठीक है? चलो Reliance is over. कुछ doubt है Reliance के बारे में, you want to ask? So we have just now completed Wipro and Reliance. Chalo. Tata. Tata Sons. Padhe the Tata Son. Founder of Tata. Jamshedji Tata. Current kaun hai iska chairman? N. Natarajan Chandrasekaran. Have a look. Kya hua? Hans kyun rahe ho are? Jamshedji Tata. And he is Chandra Shekharan, ठीक है? Tata Sun का founder और Tata Sun का chairman. अच्छा तुमको पता है Tata Sun is the largest conglomerate of India. It is the holding company of many Tata Group. 100% wholly owned subsidiaries, 100% wholly owned subsidiaries का बहुत सारा. Tata Sun याद है पढ़ाने के time भी बताए थे इसका नाम है Tata Sun, but it is the holding company. Tata Sun एक company है, इसका और भी बहुत सारा group है Tata का. तो और भी बात बाकी, जो टाटा का कंपनी है उसका होल्डिंग कंपनी कौन है? टाटा सन. टाटा सन इज अ होल्डिंग कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मेनी टाटा ग्रुप इन इंडिया. टाटा सन का प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. टाटा सन का मेन प्रोडक्ट क्या है? आयरन एंड स्टील. और तुमको पता भी होगा सबसे पहला स्टील प्लांट प्रोजेक्ट कहां पे बढ़ाया गया था? जमशेदपुर. जमशेदपुर में बढ़ाया गया था. अच्छा टाटा स्टील तो है ही, टाटा स्टील के बाद भी बहुत सारा सेक्टर में डाइवर्सिफाई किया. एविएशन सेक्टर, विस्तारा. अच्छा विस्तारा तो अभी है, विस्तारा तो अभी है. तुमको पता है टेलीकॉम एविएशन सेक्टर में ये बहुत पहले ही चला गया था. तुमको पता है एफडीआई तो एविएशन सेक्टर में अभी हुआ है, पहले तो एविएशन सेक्टर में एफडीआई था ही नहीं. एफडीआई भी नहीं था, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं था. पहले तो एवरीथिंग वॉज वॉट ओन्ड बाई गवर्नमेंट. तो इन लोग क्या किया था, इन लोग का जो जेट था, एयरवेज था, उसको खरीद लिया. किसने? एयर इंडिया ने. पहले इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया लिमिटेड ही तो था, तो एयर इंडिया ने खरीद के इसको क्या कर दिया था, नेशनलाइज. किसको? एविएशन एयरक्राफ्ट को, जो कि जिसका कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से था? टाटा कंपनी का. टाटा कंपनी ऑलरेडी एविएशन सेक्टर में पहले से ही था, प्राइवेट था ना उसका, बट पहले तो क्या बोले, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता था ना एयरलाइन सेक्टर में, तो उसको नेशनलाइज करके क्या कर दिया गया, एयर इंडिया लिमिटेड. बट अभी वापस से एविएशन सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया है इन द फॉर्म ऑफ विस्तार. तो एविएशन सेक्टर में है, स्टील में तो है ही, आयरन एंड स्टील में. उसके अलावा तुमको पता होगा इतना सारा इसका लग्जरियस होटल है, है ना? टाटा का बड़ा बड़ा लग्जरियस होटल है, ताज, ताज पैलेस, ये सब किसका है? टाटा का ही है. अच्छा खाली होटल है, होटल के अलावा भी मेन जो डेली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होता है लाइक टाटा सॉल्ट, टाटा कॉफी, टाटा टी, ये सब सब किसका कंट्रीब्यूशन है? टाटा का. चलो इनकॉर्पोरेटेड कहां है? 1968. हेडक्वार्टर कहां पे इसका? देखो पहले क्या था, आयरन एंड स्टील कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है. अच्छा तुमको ये भी पता होगा ये भी आईटी सेक्टर में है, अभी से नहीं बहुत पहले से ही. टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एयरलाइन विस्तारा, इंश्योरेंस, कॉफी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग. और इसका मेजर एक्विजिशन क्या था बताया था? कोरस ऑफ यूके इन जनवरी 2007 एंड मिलेनियम स्टील थाईलैंड इन अप्रैल 2006. दैट इज द मेजर एक्विजिशन ऑफ टाटा. अच्छा तुम लोग को इसका हिस्ट्री बताते हैं टाटा सन का. पता है तुम लोगों को क्या हुआ था? ये जो जमशेद जी टाटा, ये तो फाउंडर है टाटा का, जो पूरा फैमिली है वही तो टाटा ग्रुप को चलाते आ रहा है. तो हैव यू हर्ड अबाउट रतन टाटा? तो तुमको पता है रतन टाटा जो था ना, वो टाटा मोटर्स भी तो है, भूल गए बताना.
टाटा का गाड़ी है कि नहीं? तो पहले क्या हुआ था ना, ये टाटा मोटर में नया नया आया था बहुत साल पहले, तो उस समय टाटा इंडिका बोलकर इसका पहला कार लॉन्च हुआ था। उसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था। क्या बवाल हुआ था सुनना, ये जो रतन टाटा है, टाटा इंडिका तो बना दिया, लेकिन वो टाटा इंडिका सक्सेसफुल नहीं रहा। टेलीकॉम सेक्टर में इसको लॉस फेस करना पड़ा, सक्सेसफुल नहीं रहा इसका। कौन सा सेक्टर? टेलीकॉम नहीं, सॉरी, ऑटोमोबाइल्स, मोटर सेक्टर। ठीक है, मोटर सेक्टर जो था इसका, ऑटोमोबाइल सेक्टर, दैट वाज नॉट अ सक्सेसफुल वन। सबसे पहला कौन सा गाड़ी बनाया? टाटा, रतन टाटा ने। बट फिर तुमको पता है क्या हुआ? क्योंकि उसमें इतना ज्यादा लॉस होने लग गया ना, तो उसमें फोर्ड कंपनी बहुत बड़ा एस्टैब्लिश्ड कंपनी था ऑटोमोबाइल सेक्टर में। फोर्ड सुने हो ना नाम? तो ये फोर्ड के पास गया रतन टाटा और बोला कि आप जो है मेरा कंपनी को खरीद लीजिए। पूरा कंपनी को नहीं, खाली एक डिवीजन को। कौन सा डिवीजन? ऑटोमोबाइल कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को ले लीजिए। तो उसमें फोर्ड जो था बैडली ह्यूमिलेटेड रतन टाटा, बोला तुम लोग हर चीज में क्यों जा रहे हो? स्टील आयरन तो बना ही रहे थे, जब तुम्हारा कार मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, तब तुम उसमें क्यों उलझ रहे हो? मजाक उड़ाकर छोड़ दिया। तो अब सोचो, जब कभी किसी को, बड़ा आदमी को तुम ह्यूमिलेट करते हो ना, तो वो और डबल मेहनत करके वापस सामने वाला को ह्यूमिलेट करके ही छोड़ता है। ऐसे ही कुछ हुआ रतन टाटा के साथ। रतन टाटा वापस गया और टेलीकॉम, फिर से टेलीकॉम बोल रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेलीकॉम इतना जगह है ना, रिलायंस भी टेलीकॉम था, ठीक है। तो सुनो, फिर क्या बोल रहे थे, ऑटोमोबाइल सेक्टर में वापस से जी तोड़ मेहनत किया। और उसके बाद ये फोर्ड कंपनी का ही दो ठो बड़ा बड़ा गाड़ी को एक्वायर किया, जैगुआर एंड रेंज रोवर। मुंह पे उसको जवाब दिया कि नहीं दिया? और वो लोग लॉस में जा रहा था, फोर्ड का कंपनी, जैगुआर ये सब में, तो वो एक्वायर कर लिया। और फिर लोग एकदम अपना थैंकफुलनेस भी एक्सप्रेस किया, किसको? रतन टाटा को। तो बोलते हैं ना, दिन पलटने में टाइम नहीं लगता। एक दिन उसको इंसल्ट करके निकाल दिया गया था, फिर कुछ दिन बाद उसी कंपनी को वो एक्वायर कर लिया, वो भी इतना लग्जरियस कार, जैगुआर, ठीक है। अच्छा, और तुमको पता होना चाहिए, टाटा ग्रुप में एक फैमिली मेंबर को भारत रत्न, रतन का भी अवार्ड मिला हुआ है, भारत रत्न अवार्ड। किसको मिला है? एनी आइडिया? जेआरडी टाटा, रतन टाटा, जेआरडी टाटा, ये लोग सब क्या फैमिली मेंबर ऑफ टाटा ग्रुप है। तो जेआरडी टाटा को भारत रत्न का भी अवार्ड मिला हुआ है। तो दैट इज रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड एस्टीम बाय द टाटा ग्रुप, ठीक है। तो वापस से मेरे को बताओ, टाटा का फाउंडर कौन था? अच्छा, तुमको पता है टाटा का फाउंडर जमशेद जी टाटा था। टाटा नगर में पहला आयरन स्टील प्लांट बना था, उसके पहले भी एक मिल खोला था नागपुर में। कहाँ पे खोला था बताओ? उसके बाद कहाँ पे मिल खोला? आयरन स्टील का फैक्ट्री कहाँ पे खोला? जमशेद। उसके बाद ये किसमें डाइवर्सिफाई किया? ऑटोमोबाइल्स। और किसमें डाइवर्सिफाई? एविएशन, होटल, और उसके बाद डेली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ठीक है। आईटीसी अभी क्यों बोल रहे हो? आईटीसी आएगा धीरे धीरे। तो इसके ऊपर भी मैंने एक थोड़ा यूट्यूब में वीडियो बढ़िया से प्रिपेयर करके डाला है, हैव अ लुक एट दैट। At the Tata Group, take a special pride in India's growth story, having been an intrinsic part of it over the ages. Jamsetji Nasarwanji Tata, our founding father, established the Tata Group on value, vision, and leadership. The Empress Mill, set up in Nagpur in 1874, was based on these solid principles. His son, Sir Empress Mill, जो बता रहे थे, सबसे पहले मिल कहाँ पे बैठाया? देखे मिल को, ये देखो। 74 was based on these solid principles. His son, Sir Dorab Tata, steered the Tata brand to spectacular success over the next two decades and into the 20th century. The Taj Mahal Palace and Tower. India's first luxury hotel. India's first luxury hotel. Opened its doors to an awe-struck public in 1903. A few years later, in 1907, Tata Steel was established in Jamshedpur, followed by Indian Institute of Science in Bangalore in 1911. Between 1938 and 1992,
J.R.D. Tata took the Tata Group forward, weathering countless changes. कितना सारा awards मिला है? J.R.D. Tata के लिए बोल रहा है. बोले ना उसी को तो मिला था. कौन सा award? A man with unrivaled foresight and an unflinching resolve, Tata's exponential progress in a difficult era can be attributed to his exemplary vision and courage. The establishment of Tata Aviation Services in 1938, eventually nationalized to form Air India in 1953, was a significant achievement for the group. Tata Chemicals was set up in 1939 to make it a double triumph. It is presently the largest producer of soda ash in the country. Tata Motors, Voltas, Tata Tea, Tata Consultancy Services, TCS, India's first software services company, Tata McGraw-Hill Publishing Company, and Titan Industries were further additions to the Tata family. Under J.R.D. Tata, the Tata Group became a part of everyday life in India, serving the nation whether on land or in the skies, at home or in factories, at work or at leisure. After 140 incredible years of staggering growth, the Tata Group still had new peaks to scale, thanks to an astounding surge in growth between 1992 and 2012. ठीक है, तो देखो टाटा केमिकल्स में भी फिर उसके दौर कहाँ कहाँ देखे हम लोग, और क्या देखे, एविएशन सेक्टर तो पता ही है, टीसीएस, वोल्टास, ठीक है, टाइटन, तो तुम लोग को जो हम पढ़ाए थे उसे ज्यादा आज डिटेल में पढ़ रहे हो, इजंट इट? We are basically focusing on the practical aspect of these companies. Tata Lan ho gaya, to ye Reliance hua, Tata hua, aur kya kiya hum log abhi? Wipro. Chalo batao, founder of Tata. Current chairman. Very good. L&T. ये तो अलग ही टाइप का कंपनी था, क्योंकि याद है बोले थे इट वाज फाउंडेड बाय टू डेनिश इंजीनियर हु हैव टेकन रिफ्यूज इन इंडिया, जो रिफ्यूज लिया था इंडिया में और फिर भाग गया था. तो एलएनटी पता है ऐसा कंपनी है जिसका प्रमोटर लोग उसको बना तो दिया, इनकॉर्पोरेट तो कर दिया, प्रमोटर लोग बनाकर फिर भाग गया. और दो प्रमोटर कौन है? लार्सन एंड टूब्रो. दे वर टू डेनिश इंजीनियर्स, ठीक है, जो कि कहां से भाग कर आया था? डेनमार्क से. कहां रिफ्यूज लेने? इंडिया में. और क्या बना दिया? एलएनटी. तो एलएनटी का मेन प्रोडक्ट क्या है? क्या चीज से डील करते हैं एलएनटी? कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इंजीनियरिंग, बड़ा बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना, कमर्शियल बिल्डिंग खड़ा करना, शिप एयरक्राफ्ट बनाना, शिप नॉट एयरक्राफ्ट, शिप, ये सब किसका है? एलएनटी. तो लेट अस हैव अ लुक. अच्छा, हु इज द करंट चेयरमैन? वेरी गुड. देखो तीनों का फोटो, लार्सन, टूब्रो एंड द करेंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एम नायक, ठीक है, लग भी है ना डैनिश. फिर नीचे थर्ड वाला कैसा लग रहा है? इंडियन लग रहा है. मुंबई में इनकॉर्पोरेट हुआ था विच ईयर? 1938, ठीक है. देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ऑटोमेशन, हाइड्रोलिक्स, मटेरियल हैंडलिंग पावर, रबर प्रोसेसिंग मशीनरी, शिप बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी सर्विसेज. Rank 500 in the Forbes list. तो देख रहे हो Forbes और Fortune, समझ में आ गया? Forbes was the magazine जो कि प्रिंट होता है अमेरिका में, और Fortune पूरा ग्लोबल लेवल, ठीक है. और एक चीज देखो क्या लिखा हुआ है, रीड दिस लाइन, बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ इन द वर्ल्ड 32, ठीक है. तो दिस कंप्लीट्स योर एलएनटी. एलएनटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, खाली याद रखना क्या इसमें मेन क्रक्स क्या एलएनटी का, कि दो टो डैनिश इंजीनियर भाग कर रिफ्यूज लिया था इंडिया में और क्या बना दिया? एलएनटी. और एलएनटी का मेन काम क्या है? कंस्ट्रक्शन का, दैट्स इट, ठीक है. चलो नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ. हर एक कंपनी का एक टैगलाइन होता है, इसका क्या टैगलाइन है? गुड फूड गुड लाइफ. अब एग्जाम में ये भी आ सकता है, गुड फूड गुड लाइफ किसका टैगलाइन है? नेस्ले. अच्छा, सिंबल्स भी, स्लोगन्स भी, वो भी रह सकते हैं तुम्हारा. ये जो है ना
तुम्हारा नेस्ले का जो मोनोग्राम है वो भी दे देगा, बोलेगा बताओ किसका है, बता दोगे आईटीसी का, सबका पता है ना तुम लोगों को, चलो आईटीसी भी कराएंगे, बताया हुआ तो है ही आईटीसी का, बताओ कौन है ये, हेनरी नेस्ले के नाम पे तो नेस्ले आ गया, ठीक है, एंड करंट चेयरमैन पीटर ब्राबेक लेथमाते, ठीक है। अच्छा और एक चीज सुनो, नेस्ले जो है अभी सबसे पहले, अभी तक हम लोग जितना भी कंपनी पढ़े थे वो कौन सा था, इंडियन, बट नेस्ले इज एन ग्लोबल कंपनी, फाउंडेड वेयर, स्विट्जरलैंड, वीवी, वीवी याद है ना, वीवी इन स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड का चॉकलेट है भी फेमस, वहां रियल चॉकलेट मिलता है, वहां का चॉकलेट खाए हो कभी स्विट्जरलैंड का, या द रियल चॉकलेट खाए हो, लेकर आना मेरे लिए भी, ठीक है, वहां जो रियल चॉकलेट है स्विट्जरलैंड में ही बनता है, उसका क्वालिटी अलग होगा, यहाँ का जो क्वालिटी है, बोला गया यहाँ पे भी नेस्ले है ना, यहाँ पे भी तो नेस्ले का बनता ही है चॉकलेट्स, बट वहां का खाओगे दैट क्वालिटी इज टोटली डिफरेंट। तो मेरे को बताओ नेस्ले का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वीवी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में और भी जगह है, वीवी में तो है और भी जगह है, अभी तुम लोग को हम स्विट्जरलैंड भी ले जाएंगे, यहीं पे जाना है स्विट्जरलैंड, वीवी ले जाएंगे, ठीक है, वीवी स्विट्जरलैंड। अच्छा तुम लोग को ये भी दिखाएंगे इसमें कि चॉकलेट कैसे बनता है, कभी देखे हो चॉकलेट बनते हुए एक फैक्ट्री में कैसे चॉकलेट बनता है, पूरा उसका बढ़िया से तुम लोग प्रेजेंटेशन अभी देखने वाले हो। अच्छा टेल मी नेस्ले का प्रोडक्ट्स क्या क्या है इन इंडिया, टॉप 10 प्रोडक्ट्स इन इंडिया, मैगी नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले इन इंडिया इज मैगी एंड चॉकलेट्स, मंच, मंच पता है ना नेस्ले का है, किटकैट और कॉफी, अच्छा नहीं हम चॉकलेट का बात कर रहे थे, और चॉकलेट का नाम बताओ, चॉकलेट का और नाम नटीज, नटीज भी तो नेस्ले का है, दैट इज माय फेवरेट, नटीज भी नेस्ले का है, ठीक है। अच्छा तुम लोग यहाँ डेयरी मिल्क सिल्क मत बोल देना, वो कैडबरी का है। चलो प्रोडक्ट का नाम देखो, देख रहे हो इनकॉर्पोरेटेड इन 1866, हेडक्वार्टर इन वीवी स्विट्जरलैंड, नेस्ले वाटर। अच्छा याद हम लोग सीरियल पार्टनर डिस्कस किए थे, जनरल मिल्स, बिवरेज पार्टनर किसके संग है इसका, 50-50 का ज्वाइंट वेंचर है। बट तुम्हारे बुक्स में जो डेटा दिया हुआ है ना 2016 तक का है, तुमको पता है अभी रिसेंटली ऑफ लेट इसका बिवरेज पार्टनर जो कोको कोला के संग ज्वाइंट वेंचर था वो डिसॉल्व हो चुका है, दे आर नो लॉन्गर अंडर अ ज्वाइंट वेंचर। इन लोग ज्वाइंट वेंचर क्या चीज का किया था, नेस्टी का, पहले नेस्टी आता था कभी पियो, नेस्टी ठंडा चाय, आइस टी, नेस्टी, तो अभी वो हट गया है, बोले अब ये प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा बाजार में, नेस्टी मिलता है, मिलेगा अभी तो पुराना मिलेगा, मत पी लेना, तो नेस्टी प्रोडक्ट भी मिलना बंद हो गया है। किसका बिवरेज पार्टनर था इसका, ज्वाइंट वेंचर किसके संग था, कोको कोला, अभी वो हट गया है, बट क्योंकि तुम्हारे बुक्स में अभी भी दिया हुआ है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे था ना क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा किसके संग इसका ज्वाइंट वेंचर नहीं है, तो नेस्टी बिवरेज पार्टनर कोको कोला अभी भी है बुक्स के हिसाब से, बट प्रैक्टिकली आई हैव टोल्ड यू कि अभी उसका ज्वाइंट वेंचर कोको कोला के संग, ठीक है। और याद है कोलगेट के संग था, पामोलिव, कोलगेट, देखो ये रहा कोलगेट पामोलिव, दिख रहा है कोको कोला, दिख रहा है, बट कोको कोला के संग हम क्या बोले अभी है कि नहीं है, क्या चीज के संग था इसका, बेवरेज में कौन सा बेवरेज बोले, अरे कोको कोला नहीं बाबा, नेस्टी, नेस्टी, ठीक है, पिए होगे कभी अपने लाइफ में। तो बताओ नेस्ले का फाउंडर कौन था, हेडक्वार्टर वेयर, वेरी गुड। इसका मेन प्रोडक्ट क्या क्या है, चॉकलेट, नूडल्स, बीवरेजेस, वाटर भी आता है नेस्ले का, वाटर, कॉफी, ठीक है। अभी इसका जो बीवरेज पार्टनर कोको कोला के संग था वो है कि नहीं है, चलो वीवी चलते हैं अब हम लोग, चलिए बोल रहे चलिए, चलो वाओ। देख लो एक बार वीवी को अच्छे से, वीवी स्विट्जरलैंड, गेस करो पीते हो स्लिम मिल्क, लो फैट मिल्क आता है, बोलते हैं इसमें फैट नहीं रहता है और टेस्ट भी नहीं रहता है, देखा नेस्टी पीते थे ना,
खाना है, हाँ कर रहे हो. मतलब नेस्ले का प्रोडक्ट देख के तो तुम लोग का लग रहा है मुंह में पानी आ गया है. ये भी खा लेते हो ना ऐसे ही कच्चा. मैगी पे स्टॉप कर दिए, खाना है ठीक है. सो ये टॉप 10 नेस्ले का सेलिंग प्रोडक्ट इंडिया का है, इंडिया में जो बिक रहा है. ओके अब हम लोग एक ठो स्लाइड देखेंगे कि चॉकलेट कैसे बनता है स्विट्जरलैंड में. बताए थे ना कंट्रोल योर इमोशंस, दिखाएं कि नहीं दिखाएं बताओ. ठीक है चलो. Thank you.
बन गया चॉकलेट, खाना है घर जाके खा लेना, ओके? तो टेल मी अगेन, व्हाट डिड वी डिस्कस जस्ट नाउ, हु वाज द फाउंडर ऑफ नेस्ले? फिर उसके बाद नेस्ले का मेन प्रोडक्ट क्या क्या है, कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? वेरी गुड. इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर? ठीक है, नेस्ले इज ओवर. अच्छा, अभी इसका बीवरेज पार्टनर बोलो क्या है ये? ड्यूश बैंक. ठीक है, चेयरमैन, ये बुक्स में भी नहीं दिया हुआ है तुम लोग के. ठीक है, तो फिर भी जनरल नॉलेज एज आई सेड यू. ठीक है, तो ड्यूश बैंक का काम क्या है? जैसे बाद बाकी बैंक लोग का काम है, इंडियन बैंक है. ड्यूश बैंक इज एन इंडियन बैंक की फॉरेन बैंक? क्या काम है इसका बताओ? नॉर्मल बैंक लोग का क्या काम होता है? लोन देना, डिपॉजिट इकट्ठा करना, फिर उसके बाद अदर एजेंसी सर्विसेज ऑफ कमर्शियल बैंक. जैसे इंडिया में उन लोग का रोल होता है कमर्शियल बैंक का, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हमारे इंडिया में, वैसे इन लोग क्या है? ग्लोबल बैंक है. इन लोग का भी वही सब रोल होगा, लोन देना, क्रेडिट मैनेजमेंट करना, फिर उसके बाद फंड मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, रिटेल बैंकिंग, ट्रांजैक्शन बैंकिंग. ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है मेरे को बताने के लिए. बस याद रखना कि जो बैंक है ड्यूश बैंक, इज इट एन इंडियन बैंक की ग्लोबल बैंक? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये याद रखना, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर. ठीक है, और बाद बाकी फंक्शन सेम. अच्छा, इसको बेस्ट बैंकिंग परफॉर्मर भी मिला था जर्मनी का जो मैगजीन है उसमें, जर्मनी बाय ग्लोबल ब्रांड्स मैगजीन अवार्ड. अमेरिकन एक्सप्रेस, ये भी कौन सा बैंक है? ग्लोबली तो है ना, फॉरेन ही तो है. ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस कहां पे इसका हेड ऑफिस? न्यूयॉर्क, यूएसए. ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस का मेन प्रोविजन क्या है? क्या है, किस लिए फेमस हुआ? क्रेडिट कार्ड्स, द क्रेडिट कार्ड्स दैट इट ऑफर्ड. अच्छा, इसका यहां पे भी ब्रांच है इंडिया में, तभी हम लोग पढ़े. कहां पे है बताओ? कोलकाता. कोलकाता में इसका ब्रांच सबसे पहले खुला था कहां? इन विच ईयर? वेरी गुड. ठीक है, और फॉर्च्यून में भी इसका रैंक है 17th मोस्ट एडमायर्ड कंपनी. प्रोडक्ट देख लो, इसका कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, कंज्यूमर कार्ड, नॉन कार्ड प्रोडक्ट, ट्रैवलर्स चेक एटसेट्रा. ठीक है, हैव अ लुक एट द फाउंडर. थैंक यू. अच्छा, अमेरिकन एक्सप्रेस पे भी वीडियो है, लेट अस हैव अ लुक एट दैट. ओके, मतलब उसमें तुमको पूरा दिखाएगा कि अमेरिकन एक्सप्रेस क्या क्या तुम लोग को प्रोविजंस दे रहा है. इट्स योर हार्ड अर्न मनी, व्हाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट. प्रेजेंटिंग अमेरिकन एक्सप्रेस सर्व, अ प्रीपेड कार्ड दैट गिव्स यू क्विक एंड इजी एक्सेस टू योर टैक्स रिफंड. विद सर्व, देयर्स नो नीड टू वेट फॉर अ चेक. एज सून एज योर IRS रिफंड इज अवेलेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट्स एडेड वी अ डायरेक्ट डिपॉजिट टू योर सर्व कार्ड एंड यू आर एबल टू एक्सेस योर मनी एंड स्टार्ट स्पेंडिंग. सर्व ऑफर्स free cash withdrawals at over 24,000 MoneyPass ATMs, free online bill pay, and free direct deposit. Serve can be used virtually anywhere that American Express cards are accepted. All of this for $1 per month. To get started, talk to your tax preparer about signing up for Serve when they fill out your tax return. There is no credit check to sign up and no minimum balance to maintain. Once available, your tax refund will be added onto your Serve card. Beyond tax season, Serve also provides great tools to help you manage your money. Set aside money for a vacation or large purchase using the reserve feature. Use the sub-accounts feature to control spending. It's great for giving allowance or paying the bigger spending, add checks, or send money on the go using the mobile app. This 2014 tax season, why spend more than you have to on fees and waiting? Choose American Express Serve. Kusamje. ठीक है, तो हम लोग अभी दो ठो जस्ट नो दो फॉरेन बैंक के बारे में डिस्कस किए हैं. पहले कौन सा डिस्कस किए बताओ? उसके बाद क्या किए? ड्यूश बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जर्मनी में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी. ठीक है, और अमेरिकन एक्सप्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यूएसए. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू माइक्रोसॉफ्ट. देख लो अच्छे से. हमेशा से हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बिल गेट्स जैसे बनना है. बिल गेट्स हो क्या? तो ये एक वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनालिटी है वर्ल्ड का. कौन? किसका फाउंडर है? माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? जो भी हम लोग का मेन विंडो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब किसने डिस्कवर किया? बिल
का कितना मॉडल आ गया है। हम लोग एक टाइम था जब 1998 ये सब करते थे, 98, 99, अभी क्या यूज करते हो? सबसे लेटेस्ट 10, ठीक है? तो इसका मॉडल आते रहते हैं और इन फ्यूचर और आते रहेगा। फिर उसके बाद कितना सारा जो हम लोग का ब्राउजर था, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, फायरफॉक्स, क्रोम, ये सब तो अभी आया है। बट तुम पुराना दिन याद करो तो खाली पहले हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पर काम किया करते थे। तो किसने ये सब लेकर आया है? बिल गेट्स, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट बोलो या बिल गेट बोलो, माइक्रोसॉफ्ट बनाया ही किसने है? बिल गेट्स, ठीक है? अच्छा, अब ये कौन है इसका प्रेजेंट चेयरमैन? जॉन थॉमसन। सो माइक्रोसॉफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? प्रेजेंट चेयरमैन वेरी गुड। ग्लोबल कंपनी है, हेडक्वार्टर कहां पे इसका? यूएसए में, वॉशिंगटन, 1975। इसका मेन प्रोडक्ट क्या है ये तुमको पता ना चाहिए? माइक्रोसॉफ्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मेकर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर माइक्रोसॉफ्ट है। यस और नो? ये सब एग्जाम में आएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मेकर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ढूंढा? प्रेजेंट चेयरमैन। इसका प्रोडक्ट का नाम बताओ क्या क्या है? विंडोज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सबॉक्स, जो तुम प्ले स्टेशन यूज करते हो, PS3 करते हो ना, तो उसका ये कॉम्पिटिटर है एक्सबॉक्स। वो इसका नहीं है, वो इसका कॉम्पिटिटर है, ठीक है? अच्छा, तुमको ये भी पता होगा कि नोकिया, लिंक्डइन, स्काइप सबको ये खरीद लिया, कौन? माइक्रोसॉफ्ट। और एकदम पुराने जमाने का बात अगर तुमको ध्यान होगा, आई डोंट रिमेम्बर, तुम लोगों को पता नहीं, पता होगा कि नहीं, नोकिया का एक फोन आता था विंडोज फोन बोलकर, वो पहले बहुत चला था, पहले तो नोकिया ही था ना, और उसका एक विंडोज फोन आया था, तो विंडोज फोन माइक्रोसॉफ्ट ही तो लाया था, माइक्रोसॉफ्ट के संग टाई अप करके बहुत चला था विंडोज फोन, बट अभी आउटडेटेड हो गया बिकॉज ऑफ सैमसंग एंड्रॉइड फैसिलिटी। अब तो सारा फोन एंड्रॉइड हो गया है, पहले तो ये सब था ना, विंडोज फोन आता था, देखे हो नोकिया का विंडोज फोन, विंडोज रहता था ना उसमें, कौन कौन यूज किया नोकिया का फोन? वेरी फ्यू, देखे तो हो गए, समझो? नोकिया का एक फोन आता था ऐसा स्क्रीन टच वाला, विंडोज वाला, एकदम बेकार था वो, इंटरनेट सब बेकार, ठीक है? तो जो लिंक्डइन है, स्काइप है नोकिया, उसको किसने खरीदा? ठीक है, वापस से मेरे को बताओगे? माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स, उसका चेयरमैन कौन है? जॉन थॉमसन। हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन। इसका मेन प्रोडक्ट क्या क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या क्या? विंडोज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, MSN एंड एक्सबॉक्स डिवाइसेस भी बनाता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मेकर। इट ऑल्सो बॉट स्काइप, लिंक्डइन एंड नोकिया। चलो बताओ ये क्या है? अभी बोलो मेरे पास ही है ये, दिखाओ अपना फोन। होगा बहुत जिनके पास एप्पल का फोन, क्लास में एप्पल का फोन होगा, ये लोगो होगा तुम्हारे फोन के पीछे, इजंट इट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव? नन, शी हैज, गुड। चलो, फाउंडर तो तुमको पता ही है, स्टीव जॉब्स। याद है टिम कुक किस तरह से हम तुम लोगों को लर्न करवाए थे? मत बोलो अभी, ठीक है? फाउंडर कौन है? चेयरमैन कौन है? अब एप्पल का मेन काम क्या है? वो तो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर है, कौन? माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल का प्रोडक्ट मिलता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, आईपॉड, वॉचेस, फोन्स, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम, टीवी, सब क्या चीज का है? हाँ, मैकबुक, ये सब किसका देन है? एप्पल का। एप्पल का हेडक्वार्टर कहां पे था? कैलिफोर्निया, USA। एप्पल का नाम चेंज हुआ था, याद है? बोले थे एप्पल कंप्यूटर INC टू एप्पल INC। लार्जेस्ट एक्विजिशन इसका कौन सा था? देख रहे, बीट्स इलेक्ट्रॉनिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीट्स इलेक्ट्रॉनिक किसने एक्वायर किया? पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट की एप्पल? एप्पल। एप्पल का मेन प्रोडक्ट मैक, आईपैड, आईफोन, वॉचेस। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? स्टीव जॉब एक रेनाउंड पर्सनैलिटी है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है कंप्यूटर लाइन में, कंप्यूटर सेक्टर में, कंप्यूटिंग सेक्टर में। सो वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन ऑन द अचीवमेंट ऑफ स्टीव जॉब, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। Steve Jobs was born on February 24, 1955. Look, life and contribution. This presentation will be looking at the life and contribution of Steve Jobs. Steve Jobs was so many a man that had everything, but he was mean. Smart. The co-founder of Apple and Pixar, chairman of Apple and CEO of Apple and Pixar. Apple was founded in 1976 by Steve Wozniak, who single-handedly invented the first Apple computer.
He then came together with Steve Jobs and Ronald Wayne to sell this computer. They then formed Apple Computers in the garage of Steve Jobs' parents' house. In 1986, Jobs bought the Graphics Group, later to be renamed Pixar. The first film produced was Toy Story in 1995. Over the next 15 years, under Pixar's creative chief, John Lester, the company produced box office hits such as Bug's Life, Toy Story 2, Monsters, Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Cars, and many, many more. iTunes digital music software and the iTunes store. The company made Fortray into the consumer electronics and music distribution with the introduction of an iPod and its own mobile browser. In August 2011, Jobs resigned as CEO of Apple, but remained with the company as chairman of its board. Hours after the announcement, Apple shares dropped 5% in the after-hours trading. This relatively small drop, when considered with the importance of Jobs to Apple, was associated with the fact that his health had been in the news for several years. He had been on medical leave since January 2011 also. Asked several people to name what they think Steve Jobs' biggest contribution has been, and you will get the iPad and the everything else. And that started a positive trend that will last for decades or longer. And the contribution is so big, so important, that some may divine guidance it was inserted into his name. Steve created Jobs, and lots of them. Steve's own company grew from a startup to having over the first time. Stopped there. When he returned to the company, he increased Apple to over 46,500 full-time employees. And that, my friend, having nearly 47,000 full-time workers adds up to a lot of work. It also creates a lot of wealth for a lot of people who go on to consume services and products, but it doesn't stop there. Think about all the... ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखें, पूरा इसका अचीवमेंट, किसका अचीवमेंट? स्टीव जॉब्स. कब रिजाइन किया सीईओ के पोस्ट से? तो हम लोग इनिशियली स्टार्टिंग में कितना सारा इंडियन कंपनी पढ़े थे, अभी हम लोग कितना सारा ग्लोबल कंपनी पढ़ चुके हैं. स्टार्टिंग विद द बैंक, ड्यूश बैंक पढ़े, फिर क्या पढ़े हम लोग, अमेरिकन एक्सप्रेस, फिर हम लोग क्या पढ़े, माइक्रोसॉफ्ट, फिर हम लोग क्या पढ़े, वॉलमार्ट. ये भी कौन सा कंपनी है? ठीक है, वॉलमार्ट का बताओ, मेन प्रोडक्ट क्या है वॉलमार्ट का, टेल मी. रिटेल करना क्या चीज का? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लाइक फूड, फूड प्रोडक्ट ज्यादा है, फ्रोजन गुड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, सब ये सब किसका है? वॉलमार्ट. ये एक्चुअल में जैसे हम लोग का रिलायंस फ्रेश है ना इंडिया का, ये फॉरेन का रिलायंस फ्रेश है. कौन? वॉलमार्ट. अच्छा, इंडिया में आई है क्या वॉलमार्ट? हाँ, है ना, वेरी गुड. कहाँ पे? अमृतसर. ठीक है, इसका फाउंडर सैम वॉल्टन, देख लो सैम वॉल्टन को. चेयरमैन कौन है? ग्रेग पेनर. सैम वॉल्टन वॉज अ फाउंडर एंड ग्रेग पेनर इज अ करेंट चेयरमैन. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यू नो दैट, अरकानसास, यूएस. फ्रेश फ्रोजन चिल्ड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ड्राई ग्रोसरी, होटल, क्लोथिंग, ऑफिस, सब इसका प्रोडक्ट्स है. ठीक है, अब इसका शेयर भी लिस्ट किया गया है क्या स्टॉक एक्सचेंज में? यस, एंड इट वाज रैंक नंबर 1 ऑन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज लिस्ट इन द ईयर 2016. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वॉलमार्ट. वॉलमार्ट में और ज्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू आईबीएम. आईबीएम का नाम तुम लोग को याद होगा, चेयरमैन याद है? सर, हाँ, जीनी रॉ मेटी. किस तरह से नाम लर्न करवाए थे? ठीक है, जीनी रॉ मेटी, शी इज प्रिटी. देखो, चेयरमैन है, करंट चेयरमैन. अब आवाज आ रहा है लड़का लोग का, इतना देर से सब सन्नाटा में थे. ठीक है, शी इज द करेंट चेयरमैन ऑफ आईबीएम. फाउंडर कौन है आईबीएम का? चार्ल्स. इतना सारा नेम फाउंडर का याद करना पॉसिबल है क्या? नहीं. इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वंस यू ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मेन क्लास. ठीक है, बट इसका चेयरमैन याद है, बोले थे बार बार लर्न कर लेना, लर्न करवाए भी थे. क्या है? हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यूयॉर्क. ठीक है, इसका मेन प्रोडक्ट क्लाउड स्टोरेज कैपेसिटी, बोले थे ना एनालिटिक्स, कॉमर्स सिस्टम, ये सब इसका मेन प्रोडक्ट है. एंड इट वॉज ऑल्सो रैंक 82 सेकंड इन 2016 लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून 500 ग्लोबल कंपनी. लेट अस मूव ऑन टू इंटेल. इंटेल का क्या होता है? मेरे पास है यहाँ पे लैपटॉप. लैपटॉप इंटेल का होता है. प्रोसेसर, मदरबोर्ड, चिप्स. ठीक है, तो एक चीज बताओ, ये जो इंटरफेस है इसके बीच में, मॉनिटर के बीच में, मदरबोर्ड के बीच में, कौन प्रोवाइड? विंडोज, इंटरनेट एक्सप्लोरर,
सर ये कौन दिया है? माइक्रोसॉफ्ट है ना इंटरफेस, ठीक है। और ये लैपटॉप पूरा डिजाइन करके कौन रेडी किया है? एचपी या एप्पल, ठीक है। और मदरबोर्ड किसका है? फाउंडर देख लो, हेडक्वार्टर बताओ, कैलिफोर्निया, ठीक है। प्रोडक्ट्स देख लो, सर्वर, स्मार्टफोन, प्रोसेसर इंटेल कोर प्लैटिनम, सर्वर मदरबोर्ड इंटेल टीएम गैलीलियो डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। ये लोग सबको फॉर्च्यून में रैंक मिला है, देख लो लाइन से आया है। तो अब रैंक का नेम भी याद करना होगा क्या? नहीं। लेट अस मूव ऑन टू एचपी। एचपी का फाउंडर दो जन था। एचपी का फुल फॉर्म ही है ह्यूलेट एंड पैकर्ड। ये देखो ह्यूलेट एंड पैकर्ड को क्या हुआ, ठीक है। और प्रेजेंट सीईओ भी तुम लोग को याद, डियॉन विस्लर, ये भी हम तुम लोग को याद कराते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। एचपी का फाउंडर का नाम बताओ फटाफट, ह्यूलेट एंड पैकर्ड। इसका सीईओ का नाम बताओ, वेरी गुड, ठीक है। एचपी इज अ ग्लोबल कंपनी, कैलिफोर्निया यूएसए। मेन प्रोडक्ट वही कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटर है इसका, प्रिंटर आता है एचपी का। फिर उसके बाद हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आने लग गया एचपी का, ठीक है। और फिर उसके बाद इट रिजल्टेड इन टू पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, बोले थे ना अलग अलग हो गया था, एचपी आईएनसी एंड एचपी एंटरप्राइज। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वापस से मेरे को बताओ, एचपी का दो फाउंडर का नाम, इसका सीईओ कौन है? डियॉन विस्लर। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया यूएसए। ये दो कंपनी में स्प्लिट अप हो गया, जिसका नाम क्या है? एचपी आईएनसी एंड एचपी एंटरप्राइज। एचपी आईएनसी एंड एचपी एंटरप्राइज। इसका मेन प्रोडक्ट क्या क्या है? कंप्यूटर्स है, आजकल हाउस इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गया है, प्रिंटर्स है, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा, ठीक है। एचपी इज ओवर। तो हम लोग देख रहे लाइन से किए हैं, सबसे पहले क्या किए थे बताओ? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट किसने डिस्कवर किया था? हाँ। और प्रेजेंट कौन है, चेयरमैन कौन है उसका? वेरी गुड। माइक्रोसॉफ्ट का मेन प्रोडक्ट क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर इज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद इसका मेजर एक्विजिशन बीट इलेक्ट्रॉनिक्स। माइक्रोसॉफ्ट के बाद हम लोग क्या डिस्कस, अच्छा, इट ऑल्सो बॉट थ्री थिंग्स, क्या क्या बोले थे? नोकिया, स्काइप एंड लिंक्डइन, ठीक है, नोकिया, स्काइप एंड लिंक्डइन। उसके बाद क्या डिस्कस किया हम लोग? एप्पल, एप्पल का फाउंडर, प्रेजेंट चेयरमैन टिम कुक, ठीक है। एप्पल का मेन प्रोडक्ट क्या क्या है? कंप्यूटर है, आईपैड, आईबुक, आईपॉड, मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए? आईबीएम, आईबीएम कहते ना, आईबीएम का मेन क्या क्या प्रोडक्ट है? क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टोरेज फैसिलिटी एक्सेट्रा। फिर क्या किए? इंटेल, इंटेल का मेन क्या आता है? मदरबोर्ड, प्रोसेसर, चिप्स, ठीक है। इंटेल के बाद क्या डिस्कस किया हम लोग? एचपी, ह्यूलेट एंड, और इसका प्रेजेंट। अब वापस से इंडियन कंपनी की तरफ चल रहे हम लोग। अदानी याद है? अदानी, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ। इतना स्लो रेस्पॉन्स, यू डोंट नो द नेम ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। टेल मी द प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे बगल में, स्टैंड अप, यस, ग्रीन शर्ट, बगल में ब्लू शर्ट, खड़े हो जाओ, टेल मी। हाँ, तो इतना देर से क्या कर रहे थे? नहीं पता था, अभी सुन के बोले हो ना। अच्छा सुनो, हम क्या बोल रहे, नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही अदानी ग्रुप जो है अपना पॉपुलैरिटी बढ़ा सका। तो नरेंद्र मोदी इज द क्रिएटर ऑफ अदानी, पता है क्या? बताए थे तुम लोग को हम? नहीं बताए थे। अच्छा, अदानी कौन है? पोर्ट ऑपरेटर है, बोले थे ना, बहुत सारा पोर्ट्स को ऑपरेट करता है। पोर्ट क्या है तुमको पता है? जहां से शिप आता जाता है, डॉक। और बोले थे एसईजेड है ये, इसका पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट मुंद्रा, बोले थे ना मुंद्रा, दहेज। फाउंडर ऑफ अदानी गौतम अदानी, देख लो गौतम को, गौतम जी को, गौतम जी अदानी, फाउंडर ऑफ अदानी ग्रुप के। प्रेजेंट सीईओ कौन है? करण। दोनों नाम एकदम ही सिंपल है, याद रहेगा। अदानी ग्रुप का फाउंडर और इसका सीईओ। तो अदानी का मेन फोर्स है एसईजेड, और बोले ना अभी आए गुजरात, उस समय चीफ मिनिस्टर कौन था गुजरात का? तो वही देखो, अहमदाबाद इनकॉर्पोरेटेड इन रिसेंटली 1998। हेडक्वार्टर कहां पे है? अहमदाबाद। तो याद रखना, अदानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदानी का हेडक्वार्टर कहां पे है? अहमदाबाद में, विच ईयर? 1998, ठीक है। इसका मेन पोर्ट जो कि अदानी कंट्रोल करता है वो क्या है? दिख रहे
SEZ. Mundra is the only port-led multi-product SEZ. और भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इसको और भी पोर्ट्स का नाम, मुंद्रा, दहेज, धर्मा, कटुपल्ली दिख रहे हैं, विशाखापट्टनम, टूना टेकड़ा. पर तुम लोगों को याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदानी का मेन पोर्ट पूछेगा, एसईजेड है जो क्या है, मुंद्रा. विच ईयर इनकॉर्पोरेटेड, 1990, कहां पे, इसका प्रेजेंट सीईओ कौन है, फाउंडर ये कौन है, क्या करता है एशियन पेंट्स, दीवारों को चमका देता है, घर की रौनक को बढ़ा देता है, इंटीरियर वॉल फर्निशिंग एज वेल एज एक्सटीरियर वॉल फर्निशिंग एशियन पेंट्स का काम है, इजंट इट. एशियन पेंट्स का तुम लोग मेरे को बता दो, फाउंडर याद रहेगा, चौकसी भूल गए, अश्विन चौकसी, इसका प्रेजेंट चेयरमैन है, अश्विन चौकसी कौन है, प्रेजेंट चेयरमैन, देख लो तीनों का नाम दिया हुआ है, सीईओ, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन. तुम लोगों को खाली किसका नाम याद रखना है, अश्विन चौकसी. दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज. ऑलरेडी तुम लोगों को 32 कंपनी का नाम याद करना है, फिर अलग से एक ही कंपनी का, तुम लोग ये सब क्यों इतना याद करोगे, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज. ठीक है, तीन फाउंडर था इसका, चौकसी, दानी और वकील. चौकसी, दानी और वकील. एशियन पेंट ऑब्वियसली इंडियन कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई में. प्रोडक्ट क्या क्या है इसका देख लो, इंटीरियर एक्सटीरियर एनामेल्स वुड फिनिशेस. हाँ, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला था, एशियन पेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा किसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था, एशियन पेंट. गोल्डन पीकॉक अवार्ड और एक जन को मिला है, ONGC और ITC, ITC को मिला गोल्डन पीकॉक अवार्ड. वापस से बताओ मेरे को, प्लीज प्लीज, पिन ड्रॉप साइलेंस, आई वांट इन द क्लास, टेल मी, एशियन पेंट का फाउंडर तीन जन क्या क्या बोले, चौकसी था एक और कौन था, वकील और दानी. प्रेजेंट, प्रेजेंट इसका कौन है चेयरमैन, अश्विन चौकसी, इंडियन कंपनी है, मुंबई हेडक्वार्टर, पेंट सेक्टर में इसको क्या मिला हुआ है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड. ठीक है, एशियन पेंट्स का विंडो है. प्लीज प्लीज प्लीज, तीन तो फाउंडर याद है, बोल रहे थे दानी, चौकसी और वकील. देख लो उन लोगों का नाम वापस, देख रहे हो, लुक, चंपकलाल, चिमनलाल. गट्टू, गट्टू कौन है, अरे एशियन पेंट में ये नहीं आता क्या एड में, हमेशा इसका मैस्कॉट लकी चाम हमेशा इसका फोटो में आता है, एशियन पेंट का नहीं देखे हो, जब भी वो बना रहेगा ये इसका फोटो आएगा, बच्चा का नहीं देखे हो. गट्टू मतलब कोई गट्टू आदमी नहीं है, इमेजिनरी, नॉट द रियल चाइल्ड, जिसे नहीं होता है हर एक जन का लोगो उस टाइप का. सोचो इसका फर्स्ट वेंचर, ये खाली इंडिया में पेंट नहीं करता है, बाहर भी इसका पेंट जाता है, कहां पे था इसका फर्स्ट वेंचर, फिजी, फिजी कहां पे है, जापान.
getting started. ठीक है, तो एशियन पेंट्स को क्या मिला है बताओ, सबसे मोस्ट ऑनरेबल अवार्ड क्या चीज का मिला है? गोल्डन अवार्ड. सो वी आर थ्रू विथ एशियन पेंट्स, एनी डाउट? एक्सिस बैंक मैन पता होगा, संजीव मिश्रा. हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक? संजीव मिश्रा. हेडक्वार्टर कहाँ इसका? मुंबई. अब हमको नहीं लगता, मेरे को बताने का दरकार है एक्सिस बैंक क्या क्या सर्विसेज देता है. कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वही सब सर्विसेज देगा. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट. ठीक है, अच्छा इसको एक चीज का अवार्ड मिला था, बेस्ट बैंकिंग परफॉर्मर का अवार्ड मिला था ना, इकोनॉमिक्स टाइम अवार्ड, याद रखना. एंड एशिया मनी बेस्ट बैंक, तो ये दोनों याद रखना. इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड मिला हुआ है इसको, और क्या मिला हुआ है? एशिया मनी बेस्ट बैंक. ठीक है, अब वो सब तो पता ही है, म्यूचुअल फंड्स में भी है, ये सिक्योरिटीज में भी है, प्राइवेट इक्विटी ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड एटसेट्रा. ठीक है, बजाज. बजाज का मेन क्या प्रोडक्ट मिलता है? ऑटो, थ्री व्हीलर. थ्री व्हीलर देखे हो कोई और कंपनी का? सब कोई किसका रहता है, जितना भी ऑटो है मोस्ट ऑफ द ऑटो के पीछे क्या लिखा रहता है? बजाज का ऑटो, बजाज ऑटो. ठीक है, तो थ्री व्हीलर जो है लार्जेस्ट थ्री मैन्युफैक्चरर कौन है? पता है ना, लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर कौन है? बजाज. फाउंडर कौन है इसका? चेयरमैन कौन है? राहुल बजाज. प्रोडक्ट्स, अच्छा ये बाइक्स जो आता है वो भी तो बजाज का आता है. बजाज का बाइक देखे हो? उसका नाम भी सुनोगे, कितना नया नया टाइप का आता है. एवेंजर, सिटी 100 है क्या किसी के पास? एवेंजर क्लास में? देन ब्रदर, ब्रदर हैज इट. ओके, डिस्कवर, V12, V15, ये सब क्या है? क्या है? बाइक है. ठीक है, थ्री व्हीलर है ना इसका? थ्री व्हीलर क्या? ऑटो रिक्शा. रिक्शा मतलब वो वाला रिक्शा नहीं, कौन सा रिक्शा, समझ गए ना? ऑटो रिक्शा जिसको बोलते हैं हम लोग. ठीक है, फिर देख लो बजाज क्या है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछेगा एग्जाम में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर. दिख रहे कौन है? बजाज. दैट्स इट, बजाज में और कुछ नहीं है. बजाज का मेरे को वापस से बता दो, फाउंडर, प्रेजेंट चेयरमैन, इनकॉर्पोरेटेड वेयर, पुणे. मोस्ट ऑफ देम आर इन मुंबई, इंडियन कंपनी, बट ये कहां पे है? अहमदाबाद में कौन था? वेरी गुड, भारती एयरटेल. दिल्ली में ना इसका, बट इसका जो मेन ऑफिस है ना वो गुड़गांव में है, वही पास में तो हो गया ना न्यू दिल्ली के, तो इसका गुड़गांव में तुम लोग ऑफिस का प्रीमाइसेस देखोगे ना, यू विल बी रियली टेकन अबैक. गजब का प्रीमाइसेस है, देखे हो क्या गुड़गांव में? देखना चाहते हो? ठीक है, दिखाएंगे. बट पहले ये मेरे को बताओ इसका फाउंडर का नाम क्या है? उसी के नाम तो भारती एयरटेल आया, उसी के नाम पे तो आया. ठीक है, फाउंडर एंड प्रेजेंट चेयरमैन आल्सो मिस्टर सुनील भारती मित्तल. याद रहेगा, एयरटेल का फाउंडर कौन है? एयरटेल का चेयरमैन भी कौन है? ठीक है, अच्छा और एक चीज यार, हम तुम लोगों को बताते कि एयरटेल अपना लेटेस्ट 4G सर्विस अफ्रीका में लॉन्च किया, याद नहीं बताए थे? और ये किसको एक्वायर किया है ये भी बताए थे, टिकोनाज नेटवर्क 4G बिजनेस, रिमेंबर? तो वापस से मेरे को बताओ एयरटेल का मेजर एक्विजिशन क्या है? टिकोना का 4G सर्विस. और रिसेंटली कहां पे 4G सर्विस लॉन्च किया? अफ्रीका. और वहां का न्यूज में भी दिखाया गया है इसका कंट्रीब्यूशन, वो न्यूज का हाईलाइट देखना चाहोगे? दो चीज दिखाएंगे, बताओ क्या क्या. एक तो इसका प्रीमाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, गुड़गांव में पूरा भयानक फैला हुआ है. और एक चीज क्या बताए, इसका लेटेस्ट एक्विजिशन और इसका लॉन्च ऑफ 4G सर्विस वेयर, बताओ. प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ भारतीय एयरटेल, वर्कर्स लोग का सोचो कॉस्ट ऑफ कॉफी.
650 million. What is this? Africa's. क्या हुआ? बोले इतना सुंदर वीडियो देख रहे थे कि कौन आ गया? देखो क्या लिखा हुआ नीचे. टॉपिक से डेविएट मत हो. नीचे देखो क्या लिखा हुआ है. भारतीय एयरटेल एक्सपीरियंस इन. तो वहां का न्यूज चैनल का कोई न्यूज एजेंट है जो न्यूज दिखा रहा है. ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सक्सेस स्टोरीज इन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कॉन्टिनेंट. एंड आई कॉट अप विद मनोज कोहली. ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एट भारतीय एयरटेल. एंड अबाउट टू हियर मोर अबाउट द इंडियन टेलीकॉम्स कंपनीज एक्सपीरियंस इन अफ्रीका. ठीक है, उसका बात कंप्लीट कर दिए हम. भारतीय एयरटेल का वापस से फाउंडर का नाम बताओ फटाफट. वेरी गुड. इसका मेजर एक्विजिशन अभी लेटेस्ट कौन सा था और कहां पे अभी खोला है 4G एक्सपीरियंस. वेरी गुड. और कहां पे इसका प्रीमाइसेस फैला हुआ है. बट अगर हेडक्वार्टर का आंसर पूछेगा तो क्या बोलना. न्यू दिल्ली. बताओ व्हाट इज दिस. ये मेरे को बताओ ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, चेयरमैन कौन है इसका. हेडक्वार्टर कहां पे इसका. मुंबई. प्रोडक्ट तुमको पता है इसका क्या क्या है. वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सारा पेट्रोल का सारा प्रोडक्ट. ओके, और एक चीज याद रखना, इसका नेम चेंज हुआ है. याद है बताए थे बर्मा शेल रिफाइनरी लिमिटेड टू भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. पहले क्या नाम था इसका. बर्मा शेल रिफाइनरी लिमिटेड. और अभी क्या नाम है. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. कब हुआ. 1977. ठीक है, तुमको पता है 40% ऑफ इंटरनेशनल वॉल्यूम इन इंडिया आर फ्यूल्ड बाय बीपीसीएल प्लेन सर्विसेज. सिप्ला स्लोगन पूछेगा इसका क्या है. चलो बिना देखे पहले मेरे को बताओ. लेट मी टेस्ट यू. फाउंडर ऑफ सिप्ला. वेरी गुड, ख्वाजा अमीर. और प्रेजेंट इसका चेयरमैन कौन है. यूसुफ. यूसुफ ख्वाजा अमीर. वाई के अमीर. यूसुफ वाई के अमीर का बड़ा इंटरव्यू दिखाएंगे तुम लोग को. सिप्ला का याद है, हम बोले थे इसको एक इनोवेशन का अवार्ड मिला है क्योंकि ये कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च किया है. सिप्ला है जो कैंसर के लिए बहुत मेजर अचीवमेंट किया, उसका ड्रग्स बनाया है, इनोवेशन किया उस सेक्टर में. तो इसको एक अवार्ड भी मिला, थॉमस रूटर्स अवार्ड सिप्ला को. और इसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है. देखो यूसुफ ख्वाजा हमीद. सिप्ला इज एन इंडियन कंपनी. हेडक्वार्टर कहां पे इसका. मुंबई. अच्छा देख रहे हो उसको. थॉमसन रूटर्स इंडिया इनोवेशन अवार्ड मिला है क्योंकि बहुत सारा इनोवेशन दिखाया है इन द मेडिकल साइंस. अब तुम लोग को एक दो चीज जान के अच्छा लगेगा ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई के हमीद. तुमको पता है हम लोग का याद है बोले थे FDA अलाउ हो गया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में. 100% FDA हैज बीन अलाउड. फॉरेनर लोग अलाउड है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए. बट तुमको पता है पहले क्या होता था. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उस समय डेथ रेट वॉज वेरी हाई. डिजीजेस ये सब बहुत स्प्रेड था इंडिया में. और उस समय उसका एलिमेंट था कि नहीं था. मेडिसिन था उस चीज के लिए. और हम लोग का कंट्री डिपेंड हुआ करता था फॉरेन कंट्रीज में क्या चीज के लिए. दवाई के लिए. तो पहले क्या होता था जितना भी दवाई होता था बड़ा बड़ा बीमारी का बाहर से हम लोग खरीद कर लाते थे. और प्लस तुमको इंडिया में किसी को राइट नहीं मिल रहा था, लीगल राइट नहीं मिल रहा था कि वो मेडिसिन इनको कॉपी करके यहाँ बना सके अपने ब्रांड नेम में. तो फिर खरीदने का दरकार नहीं पड़ेगा ना. तो इसलिए MNC लोग डोमिनेट कर रहे थे क्या चीज को. मेडिकल सेक्टर को इंडिया में क्यों डोमिनेट कर रहे थे. क्योंकि इंडिया के पास उतना उस समय इनोवेशन पावर नहीं था और कॉपी करने का राइट नहीं था उस समय. क्या बोले कॉपी करने का राइट था क्या उस समय. दवाई को खुद बना सकते हो. नहीं था. बट बिकॉज ऑफ दिस मैन, बिकॉज ऑफ दिस वाई के हमीद, ही स्टार्टेड अ रिवोल्ट एंड विद मेनी लाइक माइंडेड पीपल. क्या किया ये तुमको पता है. एक नया पेटेंट लॉ को इनेक्ट करा दिया जिसके कारण इंडिया को परमिशन मिल गया कि वो भी क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है और बना सकता है. और रिटर्न में जिसका कॉपी कर रहा है वो दवाई को रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, रॉयल्टी. तो फिर सामने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा ना. मान लो तुम कुछ इनोवेशन कर दियो. पहले क्या होता था जैसे कि कोई कैंसर का ड्रग USA बना दिया तो वो ड्रग USA से ही खरीदना पड़ेगा या फिर USA का जो कंपनी है एस्टैब्लिश वहीं से खरीदना पड़ेगा. हम लोग बना सकते थे क्या इंडियंस लोग. हम लोग को ऑलरेडी उसका वो भी पता है किस तरह से वो बन रहा है, रेसिपी पता है, सब कुछ पता है. तो भी बना सकते थे क्या. नहीं. लेकिन किसके कारण बना सकते थे. वाई के अमीर. वो क्या बोला, एक पेटेंट लॉ में चेंजेस लेकर आया जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया भी अब वो डोज को एंटीडोट को बना सकता था.
लेकिन फिर से पता है क्या हुआ, ये लॉ हट गया. इंडिया याद है डब्ल्यूटीओ का मेंबर कब बना है बताओ तो? 1 जनवरी 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया जब से मेंबर बना ना, तो वहां ट्रिप्स में इंडिया प्रेजेंट हो गया, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अब उसमें जो मेंबर कंट्री लोग होते हैं ना, उन लोगों को बोला गया कि तुम लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम लोग किसी का भी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करोगे. वापस से क्या आ गया, मोनोपोली हो गया. क्या चीज का? वो एमएनसी लोग का. पहले इतना मुश्किल से क्या किया, नया पेटेंट लॉ लेकर आया, चेंजेस करवाया कि अब हम लोग भी वो ड्रग्स बना सकते हैं, बस रिटर्न में क्या देना पड़ेगा, रॉयल्टी. बट फिर क्या हुआ, वापस से इंडिया जब से मेंबर बन गया डब्ल्यूटीओ का, वापस से वो वाला लॉ हट गया और वापस से मोनोपोली आ गया. किसका? एमएनसी लोग का. अब वापस से हम लोग को दवाई किसे खरीदना पड़ेगा? उन लोग से खरीदना पड़ेगा. बट अभी इंडिया भी तो इतना नए नए इनोवेशन करते हैं, अपना दवाई खुद बनाता है. और इन लोग भी एड्स के लिए, वाई के हमीद एड्स के लिए एक एंटीडोट बनाया. और ये क्या किया, कितने जन को, जिन लोग को चाहिए, बड़ा बड़ा पुराना पुराना मतलब कंट्रीज जहां पे अभी तक एड्स का एंटीडोट नहीं है, उसको ये रेडी है बेचने के लिए कम दाम में. बोल रहे क्या, ह्यूमैनिटी भी तो बोल के कुछ होता है, हमको रॉयल्टी ज्यादा नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा रॉयल्टी देना, हम एंटीडोट भेज देंगे एड्स का. ठीक है, तो ये बहुत मतलब ग्रेटेस्ट अचीवर है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस. ये बहुत सारा नया नया मेडिसिन को इनोवेट किया, बहुत सारा ड्रग्स लेकर आया. सोचो ने पेटेंट लॉ को चेंज करवा दिया था, लेकिन वापस अनफॉर्चुनेटली इंडिया क्या बन गया, उसका पार्ट डब्ल्यूटीओ का. तो ये अभी भी बोल रहे हैं कि कैनेडियन में, कैनेडा में एक रूल है कि जो जो प्रोडक्ट कॉपी करता है ना, कॉपी कर लो बिना इन्फॉर्मेशन के, बस रॉयल्टी पहुंचा दो. तो वो लॉ यहाँ पे भी पास होना चाहिए. कहाँ पे? इंडिया. तो इससे और भी जो अभी तक बीमारी जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं है, वो भी हो जाएगा ना. क्योंकि बाहर से मंगाते तो पीपल के नॉट एफोर्ड दैट ना, ऑल द बेसिक पीपल के नॉट एफोर्ड फॉर दोज कॉस्टली मेडिसिन. अगर वो एंटीट्यूड यहीं पे बनने लग जाएगा तब तो वी कैन अफोर्ड फॉर इट ना, तो दाम कम लगेगा. ठीक है, तो इसका पूरा जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज टोटली इमेंस. किसका कंट्रीब्यूशन हम बता रहे थे? फाउंडर का नहीं, यूसुफ हमीद का. ठीक है, देखो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा लगेगा. हैव अ लुक. डॉक्टर यूसुफ हमीद गॉट अ पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज बट लर्नड द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस. और ये इंडिया में भी नहीं था, इंडिया में जब आया ना तब ये देखा इंडिया का हालत इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में, तो इसको बहुत खराब लगा. और फिर ये बहुत कंट्रीब्यूशन किया. माय फादर वाज friendly with Gandhi, so he came to Shimla in 1939. He said, the British have contacted us, they will give us independence if we assist them in the war effort. I want you to produce drugs, and that is where the seeds of self-sufficiency and self-reliance were inculcated into Shimla. But when Dr. Hamid returned to India, he found the Indian pharma industry still in shackles. I came back in 1960. And when I looked at the portfolio of products that we were doing, every major product was blocked because the multinationals were ruling India. And सुने क्या बोला? Multinational ruling India. सारा product बन ही चुका था, तो हम लोग कुछ बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, लोग बोलेगा मेरा ही तो copy है. इसलिए क्या बोला कि हम patent law में change करवा दिए कि हम लोग भी बना सकते हैं, लेकिन return में क्या देना पड़ेगा? I fought very hard with a group of like-minded Indians and had the law changed in 1972. That law gave the Indian drug industry the legal right to produce any medicine we wanted. But the struggle was far from over. However, when India joined WTO, India agreed to trade-related intellectual property system. बोले ना TRIPS, WTO का member बन गया, India agree कर गया, तो फिर वापस वो right हट गया. कौन सा right? कि कोई भी दवाई बनाओ, return में क्या दे दो? And we are now back where the multinationals will still now get their monopolies, and I am begging the government that we should seriously follow an example of the Canadian Bill S-91 so that there is no monopoly. If you've invented something, I don't have to ask your permission. I can copy the product with a letter to you. I'll pay you a 4% royalty. कैनेडियन लॉ जो है उसको यहाँ पे लाना चाहिए. एग्जाम्पल दे रहा है उसका कि हम कॉपी कर सकते हैं प्रोडक्ट, मेरे को परमिशन नहीं लेना, खाली क्या दे दो, रॉयल्टी. Today, while Cipla has over 30 manufacturing units with more than 20,000 employees and a turnover of approximately 10,000 crore rupees, Dr. Yusuf Hamid cares less for profit and more about easing human suffering. When we announced a price for the AIDS cocktail, the international pricing was $12,000, and we offered it at virtually $300. Any developing country wanting to produce their own antiretrovirals
we would give the technology to them free. The drug that stops the transmission of AIDS mother to child, we would give free because you're saving lives. So apart from being a business, you have to have a humanitarian approach. Ladies and gentlemen, Dr. Yusuf Hamid. Best entrepreneur of the year bhi mila kis saal mein batao? बोले ना, इसका पर्सनालिटी बहुत ही टचिंग है, इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। सो सिप्ला का मेरे को बताओ कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? वाईके हमीद। फाउंडर, इसको कौन सा अवार्ड मिला था रिसेंटली बताओ? 2012 में थॉमसन रियूटर्स इंडिया इनोवेशन अवार्ड। और इसको क्या मिला हुआ है? बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2013, ठीक है। बताओ कोल इंडिया, कोल इंडिया का मेन प्रोडक्ट क्या है? कोल। इसका कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है देख लो, चेयरमैन को इसका नहीं करना है इसका नाम यार, ठीक है। लेट अस मूव ऑन। डॉक्टर रेड्डी, याद है ना डॉक्टर रेड्डी क्या है? मेडिसिन। ये भी तो मेडिसिन ही बनाता है। और तुमको याद होगा ये रेनबैक्सी और ग्लैक्सो के बाद थर्ड है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? हैदराबाद। फाउंडर कौन है इसका? कल्ला मनीष रेड्डी। चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी, के सतीश रेड्डी, ठीक है। हेडक्वार्टर देख लो इसका कहां पे? हैदराबाद। ये भी मेन मेडिसिन क्या क्या चीज में? डर्मेटोलॉजी में, एलर्जी, ये सब में इसका ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। स्किन रिलेटेड डिजीज, उसके लिए मेडिसिन बनाया है। फिर उसके बाद बोले थे ना, रेड्डी का जो एक्विजिशन है उसको क्या बना दिया गया? थर्ड वर्ल्ड, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी आफ्टर रेनबैक्सी एंड ग्लैक्सो। तो पूछ सकता है डॉक्टर रेड्डी क्या है इंडिया का, कौन से रैंक में फार्मास्यूटिकल कंपनी में? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? थर्ड, ठीक है। गेल, गेल का चेयरमैन बताओगे? भुवन चंद्र त्रिपाठी। गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। इसका मेन प्रोडक्ट क्या? नेचुरल गैस, एलपीजी, गेलटेल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अच्छा, विच कंपनी ओन्स द इंडियाज लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वर्ल्ड्स नंबर वन कंपनी इन डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन, ठीक है। एचडीएफसी, एचडीएफसी विच ईयर? 1994, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। इसका चेयरमैन दीपक एस पारे, हेडक्वार्टर मुंबई, वही सब इसका भी सेम फंक्शन एज अदर बैंक्स। पेजैप सर्विसेज का था, पेजैप पूछेगा किसने इन्वेंट किया? एचडीएफसी, ठीक है। और एक था कि इसको बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच माइक्रो फाइनेंस में मिला, प्राइवेट सेक्टर होने के बाद भी ये माइक्रो फाइनेंस में आया। और किसको हेल्प किया? नबार्ड को, ठीक है। फिर उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का फाउंडर केवी कमत एंड चेयरमैन एमके शर्मा, इंडियन कंपनी, सर्विसेज वही सेम होगा एज अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसको क्या मिला था, क्या चीज का अवार्ड? बेस्ट सीएसआर का, ठीक है, बेस्ट सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस अवार्ड। इंडियन ऑयल, वही वो सब की तरह, इंडियन ऑयल का क्या काम होगा? ऑयल रिफाइनरीज, ये सब। इसका मेन प्रोडक्ट क्या है? एलपीजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एविएशन फ्यूलिंग एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंफोसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। इंफोसिस का फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति इज वन ऑफ द रिमार्केबल फाउंडर, और भी फाउंडर है इंफोसिस का, सेवन इंजीनियर्स फाउंडेड इंफोसिस। और अभी तुमको पता है प्रेजेंट चेयरमैन नंदन नीलकनी वॉज अ फाउंडर, वो बोर्ड में भी था, अभी उसको बोर्ड से रिजाइन करवा दिया गया, लेकिन अभी वापस बोर्ड में कमबैक किया है। कौन? नंदन नीलकनी, ठीक है। क्या बन गया वो? चेयरमैन। दिख रहा है नंदन नीलकनी का फोटो? देखो दो जन का फोटो, एक नारायण मूर्ति दिख रहा है, एनआर नारायण मूर्ति और नंदन नीलकनी, नंदन एन लिखा हुआ है ना, टू सेपरेट पर्सनैलिटी। इसका हेडक्वार्टर इंफोसिस का कहां पे है? बेंगलुरु। इंफोसिस क्या चीज के लिए फेमस है? मेन प्रोडक्ट क्या है इंफोसिस का? आईटी सेक्टर, ठीक है।
अच्छा इंफोसिस को क्या चीज का अवार्ड मिला था? नियन ऑयल सोलर एलईडी लैंप विन सीआईआई नेशनल इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2013. ऑल राइट, इंफोसिस भी पहले इसका नाम चेंज हुआ है, इंफोसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड टू इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड. ठीक है, खाली ये याद रखना इंफोसिस में किसका कमबैक हुआ है, वन ऑफ द फाउंडर का, किस फाउंडर का कमबैक हुआ है, नंदन नीलकणी चेयरमैन बन गया है वो अभी. ठीक है, याद रहेगा. और एनआर नारायण इसका फाउंडर साथ है, लेकिन दो तो इंपॉर्टेंट याद रखना, एनआर नारायण मूर्ति और क्या, नंदन नीलकणी. और अभी किसका कमबैक हुआ है, इसका मेन प्रोडक्ट क्या है इंफोसिस का, आईटी. ठीक है, और इसको इनोवेटिव अवार्ड मिला है एलईडी, देख रहे हो, इंडियन ऑयल सोलर एलईडी लैंप विंस नेशनल इनोवेटिव अवार्ड. और इसका भी नाम चेंज हुआ है, पहले क्या था इंफोसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और अभी क्या है इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड. आईटीसी, आईटीसी का प्रोडक्ट बताओ, इतना सारा, द मेन प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी इज सिगरेट. सिगरेट इसका नाम ही क्या था आईटीसी का पहले? ठीक है, अभी खाली आईटीसी लिमिटेड है, कोई फुल फॉर्म भी नहीं है, क्योंकि पहले इसका मेन प्रोडक्ट क्या था, टोबैको. टोबैको के बाद और सिगरेट के बाद और क्या क्या बनाया ये, इतना सारा एफएमसीजी प्रोडक्ट, नेम देम. आईटीसी का क्या क्या मिलता है, कॉपीज आता है, स्टेशनरी आता है, प्रिंटिंग आता है, फूड आता है, और उसके बाद बिस्किट्स आता है, होटल, लग्जरी होटल ऑफ आईटीसी, आईटीसी सोनार बंगला. ठीक है, चेन्नई में एक होटल खोला था, बहुत बड़ा लग्जरी होटल आईटीसी का पहला, छोला होटल चेन्नई में. ठीक है, तो आईटीसी का चेयरमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, योगेश चंद्र देवेश्वर. इंडियन कंपनी हेडक्वार्टर कहाँ है आईटीसी का, कोलकाता. मेन प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है सिगरेट, पर्सनल केयर, लाइफस्टाइल रिटेलिंग. आईटीसी का ही तो है ना, विल्स लाइफस्टाइल नहीं है, कपड़ा का दुकान वो भी तो आईटीसी का ही है. ठीक है, फिर एग्री प्रोडक्ट, डिजाइन एक्सपर्ट. आईटीसी को वर्ल्ड्स बेस्ट बिग कंपनी एशिया फैब 50 में नंबर दिया, और तुमको याद होगा आईटीसी को भी तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला. वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दो जन, एक पेंट सेक्टर में किसको मिला, एशियन पेंट, और इसमें किसको मिला है, आईटीसी. और सीएसआर के लिए भी इसको अवार्ड मिला, सीएसआर को और एक जन के लिए अवार्ड मिला था, जस्ट नाउ वी आर डिस्कस, किसका नाम था, देखो कौन है, आईसीएसई. ठीक है, आईटीसी का प्रोडक्ट देख लिए. अच्छा, आईटीसी को दो प्रोडक्ट, दो अवार्ड मिला, क्या क्या, टेल मी, सीएसआर और कभी देखे हो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस तरह दिखता है, देख लो. दैट इज द लास्ट वीडियो ऑन आईटीसी, हैव अ लुक, बहुत पुराना है, 1910. सारा इसका देख रहे हो, ईयर वाइज दिया हुआ है इसका, प्रोडक्ट का नाम कहाँ कहाँ गया, याद है बोले तो छोला होटल 1975, अभी तो आईटीसी का बहुत सारा होटल है, इनफैक्ट हर एक सिटी में आईटीसी का होटल है, पर सबसे पहला इसका कहाँ पे था, होटल छोला, बहुत लग्जरियस होटल है, उसका फोटो आएगा अभी, दिखाएंगे होटल छोला का. इसका बहुत बड़ा सिगरेट का फैक्ट्री है, देख रहे हो पूरा सिगरेट बन रहा है इस फैक्ट्री में, कहां पे, बेंगलुरु. फिर उसके बाद पर्सनल केयर देख रहे हो, पियामा डिविल्स बिस्किट, आईटीसी का कितना टेस्टी टेस्टी बिस्किट आता है. देखो ये रहा, जो कितना गजब का होटल है, देख रहे हो, हाँ छोला होटल है ये, छोला होटल कोई ऐसा वैसा होटल नहीं है, लग्जरियस होटल है. ठीक है, चेन्नई. चाहिए क्या, कुछ करो पहले, वैसा तुम लोगों को भी मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर प्रोफाइल ऑफ आईटीसी. उसके बाद बताओ एनटीपीसी किए थे हम लोग, बताओ एनटीपीसी का चेयरमैन कौन है, गुरदीप सिंह. एनटीपीसी को, एनटीपीसी का मेन प्रोडक्ट क्या है, थर्मल पावर. ठीक है, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड कोल माइनिंग एज वेल. ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओएनजीसी को क्या कन्फर किया गया है, महारत्न.
ठीक है, महारत्न अवार्ड मिला, ये भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। फिर उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, आई एस झा, इंपॉर्टेंट याद रखना, सीएमडी याद, हम करवाए थे अलग से सीएमडी। सीएमडी कौन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का? आई एस झा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेल मी एसबीआई इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक की प्राइवेट सेक्टर बैंक? इसका विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से आ सकता है। माय कस्टमर फर्स्ट, किस बैंक का विजन है माय कस्टमर फर्स्ट पूछेगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एसबीआई 5 बैंक मर्ज होकर एसबीआई बना, याद है कौन कौन सा बैंक? क्लो दिख रहा है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला, ट्रेवनकोर, दिख रहे हैं, वेर मर्ज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2000। मतलब इसका भयानक बहुत सारा ब्रांचेस है। दिस इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड बीइंग एन पब्लिक सेक्टर बैंक इट इज नॉट नेशनलाइज, ठीक है। और इसका फर्स्ट ब्रांच कहां पे खुला बाहर में? साउथ कोरिया। एसबीआई इज द लास्ट, वापस से मेरे को बताओगे एसबीआई का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। एसबीआई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसबीआई का तुमको पूछेगा, इसका विजन क्या है एसबीआई का? वेरी गुड। और कौन सा, कितना सारा बैंक इसके संग मर्ज हुआ, क्या क्या नाम है, दो तीन तो नाम बता दो। मैसूर था, ट्रेवनकोर था, बीकानेर, पटियाला एंड, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका फर्स्ट ब्रांच कहां पे खुला फॉरेन में? साउथ कोरिया। अब एक दो क्वेश्चन हम तुम लोग से रैंडमली पूछ रहे हैं। दिस कंप्लीट्स आवर प्रेजेंटेशन ऑन चैप्टर नंबर 3। सो हाउ वाज द क्लास? डिड इट क्रिएट एनी इंपैक्ट ऑन योर माइंड? भूलोगे कि याद रहेगा? एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये लोग का पिक्चर्स याद आ जाएगा क्या? कुछ कुछ का तो आ ही जाएगा। वेरी ऑनेस्ट, सबका चेहरा याद करना इज इम्पॉसिबल, चेहरा तो क्या, नाम भी याद करना इज डिफिकल्ट, बट वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट टू लर्न द नेम्स। तो एटलीस्ट तुम्हारा ऑप्शंस रहेगा तो क्लिक कर ही दोगे, कौन सा तुमको लिखना है, ऑप्शन देके तो नाम याद आ ही जाएगा। तो फटाफट एक तो बीसी का मैट दोगे, जिसे पूछेंगे खाली वही आंसर करोगे। चलो बताओ, पेंट सेक्टर में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला? आईटीसी का हेड ऑफिस कहां पे है? किस बैंक का विजन माय कस्टमर फर्स्ट है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ विप्रो? अजीम की मोहम्मद। कौन सा ऐसा कंपनी है जिसका प्रमोटर लोग इनकॉर्पोरेट करके भाग गया? एलएनटी। और उन लोग कहां से आया था? डेनिश इंजीनियर्स टेकन रिफ्यूज इन इंडिया, ठीक है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, चिप्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ एप्पल? प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एप्पल, वेरी गुड, टीम कुक। विमल ब्रांड किस साल इंट्रोड्यूस हुआ? पेजैप डिजिटल सर्विस किसका प्रोडक्ट है? वेरी गुड, एचडीएफसी, ठीक है। फिर बोलना एवेंजर सीटी 100, आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है? वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है? वेरी गुड, वॉलमार्ट का फाउंडर कौन है? सैम वॉल्टन, वेरी गुड। गुड फूड गुड लाइफ सीएमडी के, सीएमडी ऑफ आई एस जा किसका सीएमडी है? पावर ग्रेड कॉर्पोरेशन, वेरी गुड। अच्छा, गुजरात अहमदाबाद में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट जो वो ऑपरेट करता है, दैट इज द ओनली मल्टीप्रोडक्ट एसईजेड पोर्ट लेन, वेरी गुड। आईटीसी का हेडक्वार्टर बता दिए क्या? रिलायंस कब इनकॉर्पोरेट हुआ, विच ईयर? 1960 में बोले भाई आया, 66 में चला गया, क्या फॉर्म किया? रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बट अभी खाली क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। मैडम बोले उसका सीआईएन में क्या है, सिन में?
मर्चेंट, एसडीएफसी का प्रेजेंट चेयरमैन एसडीएफसी दीपक पारेख, वेरी गुड। सिप्ला का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है जिसका, देखो ना उसका तो चेहरा याद हो गया भाई के अमित का, तो उसको कौन सा अवार्ड मिला है, बेस्ट एंटरप्रेन्योर फॉर द ईयर 2013। बट सिप्ला को कौन सा अवार्ड मिला है, इनोवेशन अवार्ड मिला ना, थॉमसन रियूटर इनोवेशन अवार्ड, वेरी गुड। माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंट सीईओ सत्या नदेला, सत्या नदेला। ड्यूश बैंक, ड्यूश बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वेरी गुड। अच्छा बीट इलेक्ट्रॉनिक्स किसका एक्विजिशन है, वेरी गुड। तो तुम लोग को पूरा लर्न हो गया क्या अच्छे से ये वाला चैप्टर, टेल मी कि ये जो पूरा बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज सब्जेक्ट है तुम लोग को कैसा लगा, मैनेज कर लोगे, कितना मार्क्स मैनेज करोगे, 40 आउट ऑफ 40 पक्का, तो